हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अन्नाथे तो अन्नाथे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है इसके अलावा तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्जन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलने वाले हैं उसके ऊपर मैं एक जानकारी देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म के सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर मैं प्रॉपर डिटेलिंग देने वाला हूँ इसी के साथ फिल्म का एक रिव्यू होगा जहाँ पे स्टोरी एनालिस

इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो शिवा ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया शिवा का था उसके ऊपर डायलॉग शिवा सवारी मुथ्ठू एंथनी भाग्यराज चंद्रन पच्चीमुत्तू ने लिखे हुए और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो की हुई है शिवा और आदि नारायणन ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी शिवा ने ही किया हुआ है और डिरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स है कालनिथि मारन जिन्होंने सन पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है पी पिक्चर्स और रेड जायंट मूवीज़ के द्वारा और इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में ही बनाया गया है इसके अलावा दूसरे सभी लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बात करें तो रजनीकांत आपको टाइटल किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अपोजिट है कीर्ति सुरेश उनकी बहन का रोल प्ले कर रही है नयनतारा उनके अपोजिट लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है खुशबू मीना जगपति बाबू प्रकाश सूरी अभिमन्यु सिंह बाला कल्पू लीला वेला रामामूर्ति लिविंगस्टन पांडिराजन सतीश सत्यान रेडिन किंग्सले सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ज्योज मारियन अरजय थवासी विश्वंत श्रीजा रवि श्री रंजनी नादुल गोपाल रजिता पीराई सूडन ऋकेश रवि अवाना मास्टर भावनाज अय्य पापी शर्मा और अंजलि नेर ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये लंबी सपोर्टिंग कास्ट है इसके अलावा लीड कास्ट भी काफी लंबी है तो ये काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स है जिन्होंने सपोर्टिंग कास्ट लीड रोल प्ले किया हुआ है इतने एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क क्या हुआ है इस ने सिनेमेटोग्राफी बेटरी की देखने को मिलेगी जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोकेशन को उन्होंने इस फिल्म में दिखाया हुआ है फिल्म के जोनर को अच्छी तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ था एडिटिंग रूबेन ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको करीबन दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है डी ईमान ने डी ईमान ने क्रिएट किए हुए थे जहां पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार था इस फिल्म का साउंड है जो गाने वो काफी ज्यादा है जहां पे इंस्ट्रूमेंटल वर्जन फीमेल वर्जन को मिलाकर टोटल दस गाने थे जिसका लेंथ था सैंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड वो भी डी ईमान ने ही कंपोज किया हुआ है अब हम इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था यानी कि तेरह साल से सभी बड़े बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं। अब हम इस फिल्म के कास्टिंग में जो कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसकी एक जानकारी दे देते कलैन और अनाथे वाला किरदार है वो रजनीकांत ने प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश आपको थंगा मीनाक्षी के रोल में दिखाई देंगी जो कलैन की सिस्टर है नयन तारा ने एडवोकेट पतमल यानी कि कलैन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है खुशबू ने अंग्ञान कन्नी का रोल प्ले किया हुआ है मीना ने माग्यासी मगाई का रोल प्ले किया हुआ है जगपति बाबू ने उद्धव पारेकर का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने नत्त दूराई का रोल प्ले किया हुआ है सूर्य ने पच्चकिल्ली का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने मनोज पारेकर उद्धव पारेकर के भाई और प्रॉपर्टी ग्रेबर का रोल प्ले किया हुआ है बाला ने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है जो मनोज का फ्रेंड है कुलूपुल लीला ने कलयन की ग्रांड फादर ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है वेला रामा मूर्ति ने कलयन के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने इरुलंडी यानी कि माँ मगैर करसी के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है पांडे राजन ने इदीरन तिंगी यानी कि अगय करसी के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने सत्यशीलान यानी कि अगर कन्नी के ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने अगल दुराई यानी कि मगैर करसी का भाई का रोल प्ले किया हुआ है तो ये कुछ इस फिल्म के इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जिसमें वो भी काफ़ी शानदार नजर आ रहे थे सभी को जो रोल दिया गया था उसमें काफी बेहतर नज़र आ रहे थे डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल लिखा हुआ था उसको बखूबी नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ था इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो वही रूटीन टिपिकल देखने को मिलेगा अगर आप रजनीकांत के बहुत बड़े फिल्म फैन फे, हो तो उनके लिए फिल्म जरूर देख पाओगे अदरवाइज न्यूट्रल ऑडियंस हो तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी नजर आने वाली है स्क्रिप्टिंग का काम काफी ढीला था डायलॉग ठीक ठाक थे डिरेक्शन एक उतना एग्जीक्यूशन वाला नहीं था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अलावा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी हाई है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी साथ ही में फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसकी जो सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था फिल्म का जो कलर टोन था वो बढ़िया था लाइटिंग अच्छी थी फिल्म का कैमरा वर्क इतना बेहतरीन था जिस वजह से जो एक्शन सिक्वेंस है जो फिल्म का अलग अलग लोकेशन है कैमरा मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था रजनीकांत का किरदार उन्होंने अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था एडिटिंग डिसेंट थी इस फिल्म की एडिटिंग में थोड़ी कटौती की जा सकती थी फिल्म को करीबन दस पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था था। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार है सॉन्ग ठीक ठाक थे वहीं पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई था जिस वजह से आर्ट डायरेक्शन भी काफी परफेक्ट नजर आएगा, आएगा आपको डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो 2019 में इस फिल्म के ऊपर मीडिया ने रिपोर्ट क्लेम की हुई थी कि रजनीकांत और डायरेक्टर शिवा एक साथ फिल्म करने वाले दरबार के रिलीज़ के बाद उनकी ये फिल्म कंफर्म हुई जहाँ पर कलंथी मारन ने ग्यारह अक्टूबर 2019 को बताया हुआ था कि सन पिक्चर्स से एक प्रोजेक्ट करने वाले फ्लाई ओवर के नाम के साथ उसके बाद में ऑफिशियली सभी अनाउंसमेंट के बाद फिल्म का नाम और टाइटल्स फिक्स किया गया था जहाँ पर बताया गया था कि दरबार फिल्म के बाद इस फिल्म में रजनीकांत 118 करोड़ रुपए सैलरी मांगी हुई थी लेकिन दरबार फिल्म के बाद उतनी वो सैलरी देने के लिए प्रोड्यूसर्स ने रिफ्यूज़ किया जिस वजह से बाद में काफ़ी सारी एग्रीमेंट के बाद इस फिल्म की सैलरी रजनीकांत जी की डिक्रीज की गई और उसके बाद में एक मीडियम मीडियम तो नहीं बोला जाएगा हाई बजट था तो रजनीकांत की सैलरी डिस्क्रीज करने के बाद फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया उसके बाद में अक्टूबर 2019 में कीर्ति सुरेश को एक पाइवटल रोल के लिए साइन किया गया उसके बाद में काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट है सभी को एक के बाद एक साइन किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ग्यारह दिसंबर दो को रखी गई थी तब रजनीकांत जी का बर्थडे आता है तब कास्ट और क्रियो जितने भी थे फिल्म के वो पूजा से शामिल थे वो चेन्नई में रखी गई थी स्थान टी के नेटवर्क के ऑफिशियल ऑफिस में इसके अलावा इसकी शूटिंग है वो अट्ठारह दिसंबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहां पर पहले गाने से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी फिल्म में खुशबू ने अपना पोर्शन कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग लोकेशन जैसे कि कर्नाटक के जंगल में और अलग अलग जगह पे फिल्म को शूट किया गया था इसके अलावा इस फिल्म को हैदराबाद में मोस्टली शूट किया गया था साथ ही में चेन्नई में कुछ जगह पर शूट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई थी उसके बाद में काफ़ी मुसीबतों के बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में को रजनीकांत जी को कोविड हो गए जिस वजह से 25 दिसंबर 2020 को उनको फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया था 27 दिसंबर को उनको डिस्चार्ज किया गया फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 को फिर से रिज्यूम किया गया था जहां पे 30 दिन का एक लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म के काफ़ी सारे सीन्स को तमिलनाडु में शूट किया गया था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को अप्रैल दो तक काफ़ी बड़े बड़े सिकवेंस को कम्प्लीट करवा लिया गया था उसके बाद हैदराबाद में कुछ एक्शन सिकवेंस को शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म को काफ़ी लंबे शेड्यूल के बाद अप्रैल दो तक पूरी तरह से कम्प्लीट करवा लिया गया था फिल्म के प्रोबॉस प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो मई महीने में काम स्टार्ट किया गया था दस मई दो को जहाँ पे रजनीकांत जी ने अपने डबिंग पोर्सन से फिल्म की शुरुआत की हुई थी उनके कुछ पेचवर्स बाकी थे उसके ऊपर काम किया गया था जुलाई 2021 तक काफ़ी सारे चीज़ों को काम कंप्लीट कर, करवा लिया गया फिल्म का फाइनल शेड्यूल था वो वहीं पे सेट किया गया था और इस फिल्म की जो पहली कॉपी वो सितंबर 2021 में कंप्लीट की गई थी जहां पे यूए सर्टिफिकेट फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से दिया गया था फिल्म का टोटल रन टाइम एक मिनट था जहां पे फिल्म का हाफ फर्स्ट हाफ तिरासी मिनट था दूसरा हाफ था वो अस्सी मिनट का था म्यूज़िक के ऊपर बात करें तो फिल्म का अन्नाथ है फिल्म का जो साउंड ट्रेक है वो काफ़ी बड़ा है जहाँ पे उसको कंपोज किया हुआ है डी ईमान ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूजिक राइट सन पिक्चर्स के ही पास है जो फिल्म के प्रोड्यूसर है इस फिल्म को तमिल में ऑल ओरिजिनली रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार के इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था इस फिल्म के गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो टाइटल ट्रेक अन्नाथे अन्नाथे जहाँ पे को गाया हुआ, एस बी बाला सुब्रमण्यम ने दूसरा गाना है सारा जिसको सिद्ध श्री राम श्री आघोशाल ने गाया हुआ है तीसरा गाना मारुधानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए मनी अमूर धवलन ने सिंगर थे डी यमान वंदना श्रीवनीवास्तव और नकाश अजीज एंथनी दासन वासामी स्वामी वाला गाना है वो मुकेश मोहम्मद नोचीपत्थी तिरुमति की किला कर रही है ने गाया हुआ है यन्नदुरय का मेल वर्जन गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने वहीं पे फीमेल वर्जन है वो गाया हुआ है केस जित राइटल रेखे वो रजनीकांत का वॉइस ओवर है और अरे वो ने उसको गाया हुआ है तो इस तरह से पांच छह गाने जो मेन थे उसको गाया हुआ था वहीं पे थलाई व राम पेज का थीम म्यूजिक है विलेज कुत्तु का थीम म्यूजिक है जो डी मान ने कम्पोज किया हुआ यन्न राय का जो इंस्ट्रूमेंटल है वो उसमें वोकल्स दिए हुए के पी कुमारन ने तो इस तरह से टोटल दस गाने थे फिल्म में जिसको अगर अभी आप आपको सुनना है तो सन नेटवर्क के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब थिएट्रिकली रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को काफ़ी बड़े पैमाने पे रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को 25 अक्टूबर 2020 में दशहरे के मौके पर रिलीज़ किया गया था और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो सॉरी 25 अक्टूबर दो हज़ार को इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रिलीज़ करने वाले थे लेकिन सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया था मई मैं महीने में कि इस फिल्म का काम अभी बाकी है जिस वजह से ये फिल्म 14 जनवरी 2021 को आने वाली है लेकिन फिर से फिल्म कोविड 19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई बाद में फिल्म को चार नवंबर दो को दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग ले गई फिर भले ही फिल्म का कंटेंट उतना अच्छा नहीं था लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया फिल्म को लेकिन रजनीकांत जी के काफी सारे फैन जिसकी बदौलत हिट साबित हुई थी वोट गए, दस वोट गए करीब आसपास तो रेटिंग काफी ज्यादा एवरेज है एवरे लेकिन उसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर गई थी जिसका मेन रीजन थे रजनीकांत जी अदरवाइज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना नहीं चल पाती इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफी मजबूत थे जिस वजह से सभी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ने काफ़ी अच्छी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी जहाँ पे फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ था फिल्म को सिर्फ तमिल और तेलुगू वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन में नहीं किया गया था हिंदी वर्जन में डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज़ किया गया था तो अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के होम मीडिया के ऊपर तो सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के नॉन थिएट्रिकली राइट्स टेलीविज़न और ओ दोनों खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किया हुआ था सन टीवी वालों ने तमिल वर्जन के साथ साथ कन्नड़ा तेलुगु मलयालम वर्जन में इस फिल्म को डब किया गया था और साथ ही में हिंदी वर्जन के राइट्स भी डब किए गए थे लेकिन हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस वालों ने तो सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के राइट्स को अपने पास रखते हुए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप करते हुए इस फिल्म की डिजिटल रिलीज़ करवाई हुई थी जहां पे 25 नवंबर 2021 को यानी कि थिएट्रिकल रिलीज़ के 22 दिनों के बाद ये फ़िल्म सन नेक्स्ट के ऊपर और नेटफ्लिक्स के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्ज़न में ये फिल्म अवेलेबल करवा दी गई थी हिंदी वर्जन थोड़ा लेट प्रीमियर करवाया गया था तो अब हम बात कर ले कहाँ पर ये फिल्म किस स्तर से देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो सन पिक्चर्स के पास इसके राइट से इसका मतलब ये फिल्म आपको सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर यानी कि सन नेटवर्क के जितने भी जो तेलुगु कन्नडा तमिल और मलयालम वर्जन की चैनल है उसके ऊपर बिल्कुल फ्री में ये फिल्म अन्नाथे के नाम से देखने को मिलेगी जहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है जैसे कि अन्नाथे पेडन्ना इस तरह से अलग अलग नाम के साथ ये फिल्म अपने रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में देखने को मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ की तो सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स वालों ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए फिल्म का टाइप किया हुआ था तो फिल्म के तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम वर्जन विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब टाइटल नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन के राइट्स थे गोलमाइंस के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन सब कंप्लीट करवा दिया गया था उन्होंने भी इस फिल्म के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को भी अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म का जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास है इसके अलावा टेलीविजन राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने अपने पास रखे हुए उन्होंने इस फिल्म को गोलमाइंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न में आपको गोलमाइस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने उन्होंने बेच दिए अब पता नहीं कि उन्होंने यूट्यूब राइट्स रखे या नहीं अलग से लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी रखे हुए हैं तो ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम के साथ हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पर गोलमैस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न पर देखने को मिलेगी अदरवाइज अगर यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो टेलीविजन प्रीमियर के कुछ लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल सकती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के टेलीविजन राइट सभी वर्जन के लिए रखे हुए थे तो सन टीवी की सभी वर्जन की चैनल यानी कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन की, की चैनल के ऊपर अपने अपने जो वर्जन है जैसे कि तमिल मे मेन वर्जन तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन वहां पे फ्री में आपको देखने

उन्होंने नेटफ्लिक्स वालों के राइट्स बेच दिए तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी वर्जन में विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी अब टेलीविजन प्रीमियर गोलमाइंस करवा रहा है तो अब उसके पास यूट्यूब राइट्स है या नहीं वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है अगर गोलमाइंस के पास इस फिल्म की यूट्यूब राइट्स है तो टेलीविजन प्रीमियर के लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको यूट्यूब पर गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विश्व सब सबटाइटल देखने को मिलेगी तो इस तरह से अन्नाथी फिल्म आप तमिल तेलुगू कन्नडा और मलयालम और साथ ही में हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे टेलीविजन और ओ के ऊपर अन्ना थे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है होता है बिग ब्रदर अन्नाथे दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे फैमिली एंटरटेनमेंट भी आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो शिवा ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया शिवा का था उसके ऊपर डायलॉग्स शिवा सवारी मुथ्ठू एंथनी भाग्यराज चंद्रन पच्चीमुत्तू ने लिखे हुए और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो की हुई है शिवा और आदि नारायणन ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी शिवा ने ही किया हुआ है और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स है कालनिथि मारन जिन्होंने सन पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है पी पिक्चर्स और रेड जायंट मूवीज़ के द्वारा और इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में ही बनाया गया है इसके अलावा दूसरे सभी लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बात करें तो रजनीकांत आपको टाइटल किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अपोजिट है कीर्ति सुरेश उनकी बहन का रोल प्ले कर रही है नयनतारा उनके अपोजिट लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है खुशबू मीना जगपति बाबू प्रकाश राज अभिमन्यु सिंह बाला कलपू लीला वेला रामामूर्ति लिविंगस्टन पांडिराजन सतीश सत्यान रेडिन किंग्सले, सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ज्योज मारियन अरजय थवासी विश्वंत श्रीजा रवि श्री रंजनी नादुल गोपाल रजिता पीराई सूडन ऋकेश रवि अवाना मास्टर भावनाज अय्य पापी शर्मा और अंजलि नेर ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये लंबी सपोर्टिंग कास्ट है इसके अलावा लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है तो ये काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स है जिन्होंने सपोर्टिंग कास्ट लीड रोल प्ले किया हुआ है इतने एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क क्या हुआ है इस ने सिनेमेटोग्राफी बैटरी की देखने को मिलेगी जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोकेशन को उन्होंने इस फिल्म में दिखाया हुआ है फिल्म के जोनर को अच्छी तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ था एडिटिंग रूबेन ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको करीबन दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है डी ईमान ने डी ईमान ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए थे जहां पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार था इस फिल्म का साउंड है जो गाने वो काफी ज्यादा है जहां पे इंस्ट्रूमेंटल वर्जन फीमेल वर्जन को मिलाकर टोटल दस गाने थे जिसका लेंथ था सैंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड वो भी डी ईमान ने ही कंपोज किया हुआ है अब हम इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया था यानी कि तेरह साल से सभी बड़े बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं। अब हम इस फिल्म के कास्टिंग में जो कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसकी एक जानकारी दे देते कलायन और अनाथे वाला किरदार है वो रजनीकांत ने प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश आपको थंगा मीनाक्षी के रोल में दिखाई देंगी जो कलैयान की सिस्टर है नयन तारा ने एडवोकेट पतमल यानी कि कलैन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है खुशबू ने अंग्ञान रन कन्नी का रोल प्ले किया हुआ है मीना ने माग्ञा कारसी मगाई का रोल प्ले किया हुआ है जगपति बाबू ने उद्धव पारेकर का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने नत्त नत्तदूराई का रोल प्ले किया हुआ है सूर्य ने पच्चकिल्ली का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने मनोज पारेकर उद्धव पारेकर के भाई और प्रॉपर्टी ग्रेबर का रोल प्ले किया हुआ है बाला ने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है जो मनोज का फ्रेंड है कुलूपुले लीला ने कलयन की ग्रांड फादर ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है वेला रामा मूर्ति ने कलयन के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने इुलंडी यानी कि माँ मगैर करसी के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ, कि हुआ है पांडे राज ने इदीरन तिंगी यानी कि अगय कर्सी के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने सत्यशीलान यानी कि अगर कन्नी के ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने अगल दुराई यानी कि मगैर कर्सी का भाई का रोल प्ले किया हुआ है तो ये कुछ इस फिल्म के इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जिसमें वो भी काफ़ी शानदार नजर आ रहे थे सभी को जो रोल दिया गया था उसमें काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे थे डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल लिखा हुआ था उसको बखूबी नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ था इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो वही रूटीन टिपिकल देखने को मिलेगा अगर आप रजनीकांत के बहुत बड़े फिल्म फैन फे, हो तो उनके लिए फिल्म जरूर देख पाओगे अदरवाइज न्यूट्रल ऑडियंस हो तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी नज़र आने वाली है स्क्रिप्टिंग का काम काफ़ी ढीला था डायलॉग ठीक ठाक थे डिरेक्शन एक उतना एग्जीक्यूशन वाला नहीं था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अलावा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी हाई है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी साथ ही में फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसकी जो सिनेमेमेटोग्राफी कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था फिल्म का जो कलर टोन था वो बढ़िया था लाइटिंग अच्छी थी फिल्म का कैमरा वर्क इतना बेहतरीन था जिस वजह से जो एक्शन सिक्वेंस है जो फिल्म का अलग अलग लोकेशन है कैमरा मैने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था रजनीकांत का किरदार उन्होंने अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था एडिटिंग डिसेंट थी इस फिल्म की एडिटिंग में थोड़ी कटौती की जा सकती थी फिल्म को करीबन दस पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार है सॉन्ग ठीक ठाक थे वहीं पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन uh, वैल्यू है वो काफ़ी हाई था जिस वजह से आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी परफेक्ट नजर आएगा आपको डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो 2019 में इस फिल्म के ऊपर मीडिया ने रिपोर्ट क्लेम की हुई थी कि रजनीकांत और डायरेक्टर शिवा एक साथ फिल्म करने वाले दरबार के रिलीज़ के बाद उनकी ये फिल्म कन्फर्म हुई जहाँ पर कलंक थी मारन ने ग्यारह अक्टूबर दो को बताया हुआ था कि सन पिक्चर्स एक प्रोजेक्ट करने वाले थलाई ओवर के नाम के साथ उसके बाद में ऑफिशियली सभी अनाउंसमेंट के बाद फिल्म का नाम और टाइटल्स फिक्स किया गया था जहाँ पे बताया गया था कि दरबार फिल्म के बाद इस फिल्म में रजनीकांत ने एक करोड़ रुपए सैलरी मांगी हुई थी लेकिन दरबार फिल्म के बाद उतनी से वो सैलरी देने के लिए प्रोड्यूसर्स ने रिफ्यूज़ किया जिस वजह से बाद में काफ़ी सारी एग्रीमेंट के बाद इस फिल्म की सैलरी रजनीकांत जी की डिक्रीज की गई और उसके बाद में एक मीडियम मीडियम तो नहीं बोला जाएगा हाई बजट था तो रजनीकांत की सैलरी डिस्क्रीज करने के बाद फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया उसके बाद में अक्टूबर 2019 में कीर्ति सुरेश को एक पाइवटल रोल के लिए साइन किया गया उसके बाद में काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट है सभी को एक के बाद एक साइन किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ग्यारह दिसंबर दो को रखी गई थी तब रजनीकांत जी का बर्थडे आता है तब कास्ट और क्रियो जितने भी थे फिल्म के वो पूजा से शामिल थे वो चेन्नई में रखी गई थी स्थान टी के नेटवर्क के ऑफिशियल ऑफिस में इसके अलावा इसकी शूटिंग है वो अट्ठारह दिसंबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे पहले गाने से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी फिल्म में खुशबू ने अपना पोर्शन कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग लोकेशन जैसे कि कर्नाटक के जंगल में और अलग अलग जगह पे फिल्म को शूट किया गया था इसके अलावा इस फिल्म को हैदराबाद में मोस्टली शूट किया गया था साथ ही में चेन्नई में कुछ जगह पर शूट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई थी उसके बाद में काफ़ी मुसीबतों के बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में को रजनीकांत जी को कोविड हो गए जिस वजह से 25 दिसंबर 2020 को उनको फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया था 27 दिसंबर को उनको डिस्चार्ज किया गया फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 को फिर से रिज्यूम किया गया था जहां पे 30 दिन का एक लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म के काफ़ी सारे सीन्स को तमिलनाडु में शूट किया गया था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को अप्रैल 2021 तक काफ़ी बड़े बड़े सीक्वेंस को कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद हैदराबाद में कुछ एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म को काफ़ी लंबे शेड्यूल के बाद अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था फिल्म के प्रोबॉस प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो मई महीने में काम स्टार्ट किया गया था दस मई दो को जहाँ पे रजनीकांत जी ने अपने डबिंग पोर्सन से फिल्म की शुरुआत की हुई थी उनके कुछ पेचवर्स बाकी थे उसके ऊपर काम किया गया था जुलाई दो तक काफ़ी सारे चीज़ों को काम कर, कम्प्लीट करवा लिया गया फिल्म का फाइनल शेड्यूल था वो वहीं पे सेट किया गया था और इस फिल्म की जो पहली कॉपी वो सितंबर 2021 में कंप्लीट की गई थी जहां पे यूए सर्टिफिकेट फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से दिया गया था फिल्म का टोटल रन टाइम एक मिनट था जहाँ पे फिल्म का हाफ फर्स्ट हाफ तिरासी मिनट था दूसरा हाफ था वो अस्सी मिनट का था म्यूज़िक के ऊपर बात करें तो फिल्म का अन्ना थे फिल्म का जो साउंड ट्रेक है वो काफ़ी बड़ा है जहाँ पे उसको कंपोज़ किया हुआ है डी ईमान ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूजिक राइट सन पिक्चर्स के ही पास है जो फिल्म के प्रोड्यूसर है इस फिल्म को तमिल में ओरिजिनली रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार के इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया था इस फिल्म के गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आप जरूर इन्जॉय कर पाओगे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो टाइटल ट्रैक अन्ना थे अननाथ जहाँ पे उस को गाया हुआ एस बी बाला सुब्रमण्यम ने दूसरा गाना है सारा कात थे जिसको सिद्ध श्री राम श्रेया घोषाल ने गाया हुआ है तीसरा गाना मारुधानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए मनी अमूर्धवलन ने सिंगर थे डी यमान वंदना श्रीवनीवास्तव और नकाश अजीज एंथनी दासन वासामी स्वामी वाला गाना है वो मुकेश मोहम्मद नोचीपत्थी तिरुमति की किला कर रही है ने गाया हुआ है यन्नदुरय का मेल वर्जन गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने वहीं पे फीमेल वर्जन है वो गाया हुआ है के एस जित्रा ने ए फॉर थे वाला जो टाइटल रेखे वो रजनीकांत का वॉइस ओवर है और अरे वो ने उसको गाया हुआ है तो इस तरह से पाँच छः गाने जो मेन थे उसको गाया हुआ था वहीं पर थलाए राम पेज का थीम म्यूजिक है विलेज कुत्तू का थीम म्यूजिक है जो डी मा ने ही कम्पोज किया हुआ है यन्नराय का जो इंस्ट्रूमेंटल है वो उसमें वोकल्स दिए हुए के पी कुमारन ने तो इस तरह से टोटल दस गाने थे फिल्म में जिसको ऊपर अगर अभी आप आपको सुनना है तो सन नेटवर्क के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब थिएट्रिकली रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को काफ़ी बड़े पैमाने पर पे रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को 25 अक्टूबर 2020 में दशहरे के मौके पर रिलीज़ किया गया था और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो सॉरी 25 अक्टूबर दो हज़ार को इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रिलीज़ करने वाले थे लेकिन सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया था मई मैं महीने में कि इस फिल्म का काम अभी बाकी है जिस वजह से ये फिल्म 14 जनवरी 2021 को आने वाली है लेकिन फिर से फिल्म कोविड 19 की वजह से पोस्टपोन हो गई बाद में फिल्म को चार नवंबर दो को दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग ले गई फिर भले ही फिल्म का कंटेंट उतना अच्छा नहीं था लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया फिल्म को लेकिन रजनीकांत जी के काफी सारे फैंस जिसकी बदौलत फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई थी जहां पे, पे फिल्म को सिर्फ चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से छियानो सौ वोट किए गए वोट किए गए करीब आसपास तो रेटिंग काफी ज्यादा एवरेज है एवरे लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी जिसका मेन रीजन थे रजनीकांत जी अदरवाइज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना नहीं चल पाती इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफी मजबूत थे जिस वजह से सभी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ने काफ़ी अच्छी स्क्रीन दिलवाई हुई थी जहाँ पे फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ था फिल्म को सिर्फ तमिल और तेलुगु वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन में नहीं किया गया था हिंदी वर्जन में डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज़ किया गया था तो अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के होम मीडिया के ऊपर तो सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के नॉन थिएटिकली राइट्स टेलीविज़न और ओ दोनों खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ था सन टीवी वालों ने तमिल वर्जन के साथ साथ कन्नडा तेलुगु मलयालम वर्जन में इस फिल्म को डब किया गया था और साथ ही में हिंदी वर्जन के राइट्स भी डब किए गए थे लेकिन हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस वालों ने तो सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के राइट्स को अपने पास रखते हुए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप करते हुए इस फिल्म की डिजिटल रिलीज़ करवाई हुई थी जहां पे 25 नवंबर 2021 को यानी कि थिएटरकल रिलीज़ के, के 22 दिनों के बाद ये फ़िल्म सन नेक्स्ट के ऊपर और नेटफ्लिक्स के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्ज़न में ये फिल्म अवेलेबल करवा दी गई थी हिंदी वर्ज़न थोड़ा लेट प्रीमियर करवाया गया था तो अब हम बात कर ले कहाँ पर ये फिल्म किस स्तर से देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो सन पिक्चर्स के पास इसके राइट्स है इसका मतलब ये फिल्म आपको सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर यानी कि सन नेटवर्क के जितने भी जो तेलुगु कन्नड़ा तमिल और मलयालम वर्जन की चैनल है उसके ऊपर बिल्कुल फ्री में ये फिल्म अन्नाथे के नाम से देखने को मिलेगी जहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है जैसे कि अन्नाथे पेडन्ना इस तरह से अलग अलग नाम के साथ ये फिल्म अपने रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में देखने को मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ की तो सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स वालों ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए फिल्म का टाइप किया हुआ था तो फिल्म के तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम वर्जन विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब टाइटल नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन के राइट्स थे गोलमाइंस के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन सब कंप्लीट करवा दिया गया था उन्होंने भी इस फिल्म के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को भी अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म का जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास है इसके अलावा टेलीविजन राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने अपने पास रखे हुए हैं उन्होंने इस फिल्म को गोलमाइंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न में आपको गोलमस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने उन्होंने बेच दिए अब पता नहीं कि उन्होंने यूट्यूब राइट्स रखे या नहीं अलग से लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी रखे हुए हैं तो ये फिल्म आपको तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम के साथ हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पर गोलमैंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न पर देखने को मिलेगी अदरवाइज अगर यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो टेलीविजन प्रीमियर के कुछ लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल सकती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के टेलीविजन राइट सभी वर्जन के लिए रखे हुए थे तो सन टीवी की सभी वर्जन की चैनल यानी कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन की, की चैनल के ऊपर अपने अपने जो वर्जन है जैसे कि तमिल मेन वर्जन तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन वहां पे फ्री में आपको देखने

उन्होंने नेटफ्लिक्स वालों के राइट्स बेच दिए है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी वर्जन में विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी अब टेलीविजन प्रीमियर गोल करवा रहा है तो अब उसके पास यूट्यूब राइट्स है या नहीं वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है अगर गोलमाइंस के पास इस फिल्म की यूट्यूब राइट्स है तो टेलीविजन प्रीमियर के लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको यूट्यूब पर गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी तो इस तरह से अन्नाथे फिल्म आप तमिल तेलुगू कन्नडा और मलयालम और साथ ही में हिंदी वर्जन में इंजॉय कर पाओगे टेलीविजन और ओटीटी के ऊपर अन्नाथे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है होता है बिग ब्रदर अन्नाथे 2021 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे फैमिली एंटरटेनमेंट भी आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो शिवा ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया शिवा का था उसके ऊपर डायलॉग्स शिवा सवारी मुत्थु एंथनी भाग्यराज चंद्रन पच्ची ने लिखे हुए और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो की हुई है शिवा और आदि नारायणन ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी शिवा ने ही किया हुआ है और डरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स है कालनिथि मारन जिन्होंने सन पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है पीवीआर पिक्चर्स और रेड जायंट मूवीज़ के द्वारा और इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में ही बनाया गया है इसके अलावा दूसरे सभी लैंग्वेज़ में फ़िल्म को डब किया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बात करें तो रजनीकांत आपको टाइटल किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अपोजिट है कीर्ति सुरेश उनकी बहन का रोल प्ले कर रही है नयनतारा उनके अपोजिट लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है खुशबू मीना जगपति बाबू प्रकाश राज सूरी अभिमन्यु सिंह बाला कल्पू लीला वेला रामामूर्ति लिविंगस्टन पांडिराजन सतीश सत्यान रेडिन किंग्स लिए सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ज्योर्ज मारियन अरजय थवासी विश्वंत श्रीजा रवि श्री रंजनी नादुल गोपाल रजिता पीराई सूडन रिकेश रवि अवाना मास्टर भावनाज अयप्पा पापी शर्मा और अंजलि नेर ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये लंबी सपोर्टिंग कास्ट है इसके अलावा लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है तो ये काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स है जिन्होंने सपोर्टिंग कास्ट लीड रोल प्ले किया हुआ है इतने एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क क्या हुआ है इस बैटरी ने सिनेमेटोग्राफी बेटरी की देखने को मिलेगी जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोकेशन को उन्होंने इस फिल्म में दिखाया हुआ है फिल्म के जोनर को अच्छी तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ था एडिटिंग रूबिन ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको करीबन दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है डी ईमान ने डी ईमान ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए थे जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी शानदार था इस फिल्म का साउंड है जो गाने वो काफ़ी ज्यादा है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल वर्जन फीमेल वर्जन को मिला टोटल दस गाने थे जिसका लेंथ था सैंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड वो भी डी ईमान ने ही कंपोज किया हुआ है अब हम इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था यानी कि तेरह साल से अब सभी बड़े बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं अब हम इस फिल्म के कास्टिंग में जो कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके एक जानकारी दे देते दे कलायन और अनाथे वाला किरदार है वो रजनीकांत ने प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश आपको थंगा मीनाक्षी के रोल में दिखाई देंगी जो कलैयान की सिस्टर है नयन तारा ने एडवोकेट पतमल यानी कि कलैयान के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है खुशबू ने अंग्ञान कन्नी का रोल प्ले किया हुआ है मीना ने माग्या कारसी मगाई का रोल प्ले किया हुआ है जगपति बाबू ने उद्धव पारेकर का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने नत्त दूराई का रोल प्ले किया हुआ है सूरी ने पच्च का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने मनोज पारेकर उद्धव पारेकर के भाई और प्रॉपर्टी ग्रेबर का रोल प्ले किया हुआ है बाला ने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है जो मनोज का फ्रेंड है कुल लीला ने कलैन की ग्रांड फादर ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है वेला रामा मूर्ति ने कलयन के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने इरुलंडी यानी कि माँ मगैर करसी के हस्बैंड का रोल प्ले, कि प्ले किया हुआ है पांडे राजन ने इधी तिंगी यानी कि अगय कर्सी के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने सत्यशीलान यानी कि अगर कन्नी के ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने अगल दुराई यानी कि मगैर का भाई का रोल प्ले किया हुआ है तो ये कुछ इस फिल्म के इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जिसमें वो भी काफ़ी शानदार नजर आ रहे थे सभी को जो रोल दिया गया था उसमें काफी बेहतर नजर आ रहे थे डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल लिखा हुआ था उसको बखूबी नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ था इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो वही रूटीन टिपिकल देखने को मिलेगा अगर आप रजनीकांत के बहुत बड़े फिल्म फैन फे, हो तो उनके लिए फिल्म जरूर देख पाओगे अदरवाइज न्यूट्रल ऑडियंस हो तो ये फिल्म आपको काफी ज्यादा ऑर्डिनरी नज़र आने वाली है स्क्रिप्टिंग का काम काफी ढीला था डायलॉग ठीक ठाक थे डिरेक्शन एक उतना एग्जीक्यूशन वाला नहीं था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अलावा प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी हाई है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी साथ ही में फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसकी जो सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था फिल्म का जो कलर टोन था वो बढ़िया था लाइटिंग अच्छी थी फिल्म का कैमरा वर्क इतना बेहतरीन था जिस वजह से जो एक्शन सिकॉन्न है जो फिल्म का अलग अलग लोकेशन है कैमरा मैन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था रजनीकांत का किरदार उन्होंने अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था एडिटिंग डिसेंट थी इस फिल्म की एडिटिंग में थोड़ी कटौती की जा सकती थी फिल्म को करीबन दस पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार है सॉन्ग ठीक ठाक थे वहीं पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन uh, वैल्यू है वो काफ़ी हाई था जिस वजह से आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी परफेक्ट नजर आएगा आपको डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो 2019 में इस फिल्म के ऊपर मीडिया ने रिपोर्ट क्लेम की हुई थी कि रजनीकांत और डायरेक्टर शिवा एक साथ फिल्म करने वाले दरबार के रिलीज़ के बाद उनकी ये फिल्म कन्फर्म हुई जहाँ पर कलन थी मारन ने ग्यारह अक्टूबर दो को बताया हुआ था कि सन पिक्चर्स एक प्रोजेक्ट करने वाले थ्लाई ओवर के नाम के साथ उसके बाद में ऑफिशियली सभी अनाउंसमेंट के बाद फिल्म का नाम और टाइटल्स फिक्स किया गया था जहां पे बताया गया था कि दरबार फिल्म के बाद इस फिल्म में रजनीकांत ने 118 करोड़ रुपए सैलरी मांगी हुई थी लेकिन दरबार फिल्म के बाद उतनी से वो सैलरी देने के लिए प्रोड्यूसर्स ने रिफ्यूज किया जिस वजह से बाद में काफी सारी एग्रीमेंट के बाद इस फिल्म की सैलरी रजनीकांत जी की डिक्रीज की गई और उसके बाद में एक मीडियम मीडियम तो नहीं बोला जाएगा हाई बजट था तो रजनीकांत की सैलरी डिस्क्रीज करने के बाद फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया उसके बाद में अक्टूबर 2019 में कीर्ति सुरेश को एक पावटल रोल के लिए साइन किया गया उसके बाद में काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट है सभी को एक के बाद एक साइन किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ग्यारह दिसंबर दो को रखी गई थी तब रजनीकांत जी का बर्थडे आता है तब कास्ट और क्रू जितने भी थे फिल्म के वो पूजा से शामिल थे वो चेन्नई में रखी गई थी सन टी के नेटवर्क के ऑफिशियल ऑफिस में इसके अलावा इसकी शूटिंग है वह अट्ठारह दिसंबर दो में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहां पर पहले गाने से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी फिल्म में खुशबू ने अपना पोर्शन कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग लोकेशन जैसे कि कर्नाटक के जंगल में और अलग अलग जगह पे फिल्म को शूट किया गया था इसके अलावा इस फिल्म को हैदराबाद में मोस्टली शूट किया गया था साथ ही में चेन्नई में कुछ जगह पर शूट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई थी उसके बाद में काफ़ी मुसीबतों के बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में को रजनीकांत जी को कोविड हो गए जिस वजह से 25 दिसंबर 2020 को उनको फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया था 27 दिसंबर को उनको डिस्चार्ज किया गया फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 को फिर से रिज्यूम किया गया था जहां पे 30 दिन का एक लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म के काफ़ी सारे सीन्स को तमिलनाडु में शूट किया गया था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को अप्रैल 2021 तक काफ़ी बड़े बड़े सीक्वेंस को कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद हैदराबाद में कुछ एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म को काफ़ी लंबे शेड्यूल के बाद अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था फिल्म के प्रोश प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो मई महीने में काम स्टार्ट किया गया था दस मई दो को जहाँ पे रजनीकांत जी ने अपने डबिंग पोर्सन से फिल्म की शुरुआत की हुई थी उनके कुछ पेचवर्स बाकी थे उसके ऊपर काम किया गया था जुलाई दो तक काफ़ी सारे चीज़ों को काम कंप्लीट कर, करवा लिया गया फिल्म का फाइनल शेड्यूल था वो वहीं पे सेट किया गया था और इस फिल्म की जो पहली कॉपी वो सितंबर 2021 में कंप्लीट की गई थी जहां पे यूए सर्टिफिकेट फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से दिया गया था फिल्म का टोटल रन टाइम एक मिनट था जहाँ पे फिल्म का हाफ फर्स्ट हाफ तिरासी मिनट था दूसरा हाफ था वो अस्सी मिनट का था म्यूज़िक के ऊपर बात करें तो फिल्म का अन्नाथ है फिल्म का जो साउंड ट्रेक है वो काफ़ी बड़ा है जहाँ पे उसको कंपोज किया हुआ है डी ईमान ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए म्यूजिक राइट सन पिक्चर्स के ही पास है जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म को तमिल में ओरिजिनली रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार के इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया था इस फिल्म के गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया गया था जहाँ पर आप ज़रूर इंजॉय कर पाओगे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो टाइटल ट्रेक अन्नाथे अन्नाथे जहाँ पे उसको गाया हुआ, एस बी बाला सुब्रमण्यम ने दूसरा गाना है सारा जिसको सिद्ध है तीसरा गाना मारुधानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए मनी अमूल धवलन ने सिंगर थे डी यमान वंदना श्रीवनीवास्तव और नकाश अजीज एंथनी दासन स्वामी वाला गाना है वो मुकेश मोहम्मद नोचीपति तिरुमति की कि, किला कर रही है ने गाया हुआ है यन्नदराय का मेल वर्जन गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने वहीं पे फीमेल वर्जन है वो गाया हुआ है के एस जित्रा ने ए फॉर अन्नाथे वाला जो टाइटल रेखे वो रजनीकांत का वॉइस ओवर है और अरे वो ने उसको गाया हुआ है तो इस तरह से पांच छह गाने जो मेन थे उसको गाया हुआ था वहीं पर थला एवा राम पेज का थीम म्यूजिक है विलेज कुत्तू का थीम म्यूजिक है जो डी माँ ने ही कम्पोज किया हुआ है यन्नदराय का जो इंस्ट्रूमेंटल है वो उसमें वोकल्स दिए हुए के पी कुमारन ने तो इस तरह से टोटल दस गाने थे फिल्म में जिसको ऊपर अगर अभी आप आपको सुनना है तो सन नेटवर्क के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब थिएट्रिकली रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को काफी बड़े पैमाने पर पे रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को 25 अक्टूबर 2020 में दशहरे के मौके पर रिलीज किया गया था और जब फिल्म को रिलीज किया गया तो सॉरी 25 अक्टूबर दो हज़ार को इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रिलीज़ करने वाले थे लेकिन सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया था मई मैं महीने में कि इस फिल्म का काम अभी बाकी है जिस वजह से ये फिल्म 14 जनवरी 2021 को आने वाली है लेकिन फिर से फिल्म कोविड 19 की वजह से पोस्टपोन हो गई बाद में फिल्म को चार नवंबर दो को दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग ले गई फिर भले ही फिल्म का कंटेंट उतना अच्छा नहीं था लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया फिल्म को लेकिन रजनीकांत जी के काफी सारे फैंस है जिसकी ये फिल्म पे हिट साबित हुई थी जहां पे, पे फिल्म को सिर्फ चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से छियानो सौ वोट किए गए करीब आसपास तो रेटिंग काफी ज्यादा एवरेज है लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर गई थी जिसका मेन रीजन थे रजनीकांत जी अदरवाइज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना नहीं चल पाती इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफी मजबूत थे जिस वजह से सभी वर्जन के लिए डिस्ट्री ने काफी अच्छी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी जहाँ पे फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ था फिल्म को सिर्फ तमिल और तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था हिंदी वर्जन में नहीं किया गया था हिंदी वर्जन में डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज किया गया था तो अब हम बात कर लेते फिल्म के होम मीडिया के ऊपर तो सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के नॉन थिएटिकली राइट्स टेलीविज़न और ओ दोनों खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ था सन टीवी वालों ने तमिल वर्जन के साथ साथ कन्नडा तेलुगु मलयालम वर्जन में इस फिल्म को डब किया गया था और साथ ही में हिंदी वर्जन के राइट्स भी डब किए गए थे लेकिन हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस वालों ने तो सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के राइट्स को अपने पास रखते हुए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप करते हुए इस फिल्म की डिजिटल रिलीज़ करवाई हुई थी जहां पे 25 नवंबर 2021 को यानी कि थिएटरकल रिलीज़ के, के 22 दिनों के बाद ये फ़िल्म सन नेक्स्ट के ऊपर और नेटफ्लिक्स के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में ये फिल्म अवेलेबल करवा दी गई थी हिंदी वर्जन थोड़ा लेट प्रीमियर करवाया गया था तो अब हम बात कर ले कहाँ पर ये फिल्म किस तरह से देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो सन पिक्चर्स के पास इसके राइट से इसका मतलब ये फिल्म आपको सन टीवी के टेलीविज़न चैनल के ऊपर यानी कि सन नेटवर्क के जितने भी जो तेलुगु कन्नड़ा तमिल और मलयालम वर्जन की चैनल है उसके ऊपर बिल्कुल फ्री में ये फिल्म अन्नाथे के नाम से देखने को मिलेगी जहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है जैसे कि अन्नाथे पेडन्ना इस तरह से अलग अलग नाम के साथ ये फिल्म अपने रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में देखने को मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ की तो सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स वालों ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए फिल्म का टाइप किया हुआ था तो फिल्म के तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम वर्जन विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन के राइट्स थे गोलमाइंस के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन सब कंप्लीट करवा दिया गया था उन्होंने भी इस फिल्म के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को भी अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म का जो ओ टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास है इसके अलावा टेलीविजन राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने अपने पास रखे हुए उन्होंने इस फिल्म को गोलमाइंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न में आपको गोलमैंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने उन्होंने बेच दिए अब पता नहीं कि उन्होंने यूट्यूब राइट्स रखे या नहीं अलग से लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी रखे हुए हैं तो ये फिल्म आपको तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम के साथ हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पर गोलमैंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न पर देखने को मिलेगी अदरवाइज अगर यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो टेलीविजन प्रीमियर के कुछ लंबे समय के बाद यह फिल्म आपको गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल सकती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के टेलीविजन राइट सभी वर्जन के लिए रखे हुए थे तो सन टीवी की सभी वर्जन की चैनल यानी कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन की, की चैनल के ऊपर अपने अपने जो वर्जन है जैसे कि तमिल मेन वर्जन तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन वहां पे फ्री में आपको देखने

उन्होंने नेटफ्लिक्स वालों के राइट्स बेच दिए तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी वर्जन में विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी अब टेलीविजन प्रीमियर गोल करवा रहा है तो अब उसके पास यूट्यूब राइट्स है या नहीं वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है अगर गोल के पास इस फिल्म के यूट्यूब राइट्स है तो टेलीविजन प्रीमियर के लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको यूट्यूब पर गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी तो इस तरह से अन्नाथे फिल्म आप तमिल तेलुगु, कन्नडा और मलयालम और साथ ही में हिंदी वर्जन में इंजॉय कर पाओगे टेलीविजन और ओ के ऊपर अन्ना थे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे हो है होता है बिग ब्रदर अन्नाथे 2021 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है पे फैमिली एंटरटेनमेंट भी आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो शिवा ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया शिवा का था उसके ऊपर डायलॉग्स शिवा सवारी मुथ्ठू एंथनी भाग्यराज चंद्रन पच्चीमुत्तू ने लिखे हुए और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो की हुई है शिवा और आदि नारायणन ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी शिवा ने ही किया हुआ है और डिरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स है कालनिथि मारन जिन्होंने सन पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है पी पिक्चर्स और रेड जायंट मूवीज़ के द्वारा और इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में ही बनाया गया है इसके अलावा दूसरे सभी लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बात करें तो रजनीकांत आपको टाइटल किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अपोजिट है कीर्ति सुरेश उनकी बहन का रोल प्ले कर रही है नयनतारा उनके अपोजिट लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है खुशबू मीना जगपति बाबू प्रकाश सूरी अभिमन्यु सिंह बाला कलपू लीला वेला रामामूर्ति लिविंगस्टन पांडिराजन सतीश सत्यान रेडिन किंग्सले सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जॉर्ज मारियन अरजा थवासी विश्वंत श्रीजा रवि श्री रंजनी नादुल गोपाल रजिता पीराई सूडन ऋकेश रवि अवाना मास्टर भावनाज अय्य पापी शर्मा और अंजलि नेर ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये लंबी सपोर्टिंग कास्ट है इसके अलावा लीड कास्ट भी काफी लंबी है तो ये काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स है जिन्होंने सपोर्टिंग कास्ट लीड रोल प्ले किया हुआ है इतने एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क क्या हुआ है इस ने सिनेमेटोग्राफी बेटरी की देखने को मिलेगी जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोकेशन को उन्होंने इस फिल्म में दिखाया हुआ है फिल्म के जोनर को अच्छी तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ था एडिटिंग रूबेन ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको करीबन दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है डी ईमान ने डी ईमान ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए थे जहां पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी शानदार था इस फिल्म का साउंड ट्रैक है जो गाने वो काफ़ी ज़्यादा है जहां पे इंस्ट्रूमेंटल वर्जन फीमेल वर्जन को मिलाकर टोटल दस गाने थे जिसका लेंथ था सैंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड वो भी डी मान ने ही कंपोज किया हुआ है अब हम इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था यानी कि तेरह साल से सभी बड़े बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं अब हम इस फिल्म के कास्टिंग में जो कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके एक जानकारी दे देते दे कलायन और अनाथे वाला किरदार है वो रजनीकांत ने प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश आपको थंगा मीनाक्षी के रोल में दिखाई देंगी जो कलैन की सिस्टर है नयन तारा ने एडवोकेट पतमल यानी कि कलैन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है खुशबू ने अंग्ञान रन कन्नी का रोल प्ले किया हुआ है मीना ने माग्ञा कारसी मगाई का रोल प्ले किया हुआ है जगपति बाबू ने उद्धव पारेकर का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने नत्त दूराई का रोल प्ले किया हुआ है सूर्य ने पच्च किली का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने मनोज पारेकर उद्धव पारेकर के भाई और प्रॉपर्टी ग्रेबर का रोल प्ले किया हुआ है बाला ने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है जो मनोज का फ्रेंड है कुलूपुल्ले लीला ने कलयन की ग्रांड फादर ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है वेला रामा मूर्ति ने कलयन के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने इरुलंडी यानी कि माँ मगैर करसी के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है पांडे राज ने इदी तिंगी यानी कि अगय करसी के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने सत्य यानी कि अगर कन्नी के ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने अगल दुराई यानी कि मगैर कारसी का भाई का रोल प्ले किया हुआ है तो ये कुछ इस फिल्म के इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जिसमें वो बखूबी काफ़ी शानदार नजर आ रहे थे सभी को जो रोल दिया गया था उसमें काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे थे डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल लिखा हुआ था उसको बखूबी नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ था इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो वही रूटीन टिपिकल देखने को मिलेगा अगर आप रजनीकांत के बहुत बड़े फिल्म फैन फे, हो तो उनके लिए फिल्म जरूर देख पाओगे अदरवाइज न्यूट्रल ऑडियंस हो तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी नजर आने वाली है स्क्रिप्टिंग का काम काफ़ी ढीला था डायलॉग ठीक ठाक थे डिरेक्शन एक उतना एग्जीक्यूशन वाला नहीं था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अलावा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी हाई है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी साथ ही में फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसकी जो सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था फिल्म का जो कलर टोन था वो बढ़िया था लाइटिंग अच्छी थी फिल्म का कैमरा वर्क इतना बेहतरीन था जिस वजह से जो एक्शन सिक्वेंस है जो फिल्म का अलग अलग लोकेशन है कैमरा मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था रजनीकांत का किरदार उन्होंने अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था एडिटिंग डिसेंट थी इस फिल्म की एडिटिंग में थोड़ी कटौती की जा सकती थी फिल्म को करीबन दस पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था था। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर और काफी शानदार है सॉन्ग ठीक ठाक थे वहीं पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई था जिस वजह से आर्ट डायरेक्शन भी काफी परफेक्ट नजर आएगा, आएगा आपको डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो 2019 में इस फिल्म के ऊपर मीडिया ने रिपोर्ट क्लेम की हुई थी कि रजनीकांत और डायरेक्टर शिवा एक साथ फिल्म करने वाले दरबार के रिलीज़ के बाद उनकी ये फिल्म कंफर्म हुई जहां पे कलंक थी मारन ने ग्यारह अक्टूबर 2019 को बताया हुआ था कि सन पिक्चर्स एक प्रोजेक्ट करने वाले थ्लाई ओवर के नाम के साथ उसके बाद में ऑफिशियली सभी अनाउंसमेंट के बाद फ़िल्म का नाम और टाइटल्स फिक्स किया गया था जहाँ पर बताया गया था कि दरबार फिल्म के बाद इस फिल्म में रजनीकांत 118 करोड़ रुपए सैलरी मांगी हुई थी लेकिन दरबार फिल्म के बाद उतनी इस वो सैलरी देने के लिए प्रोड्यूसर्स ने रिफ्यूज़ किया जिस वजह से बाद में काफ़ी सारी एग्रीमेंट के बाद इस फिल्म की सैलरी रजनीकांत जी की डिक्रीज की गई और उसके बाद में एक मीडियम मीडियम तो नहीं बोला जाएगा हाई बजट था तो रजनीकांत की सैलरी डिस्क्रीज करने के बाद फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया उसके बाद में अक्टूबर 2019 में कीर्ति सुरेश को एक पाइवटल रोल के लिए साइन किया गया उसके बाद में काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट है सभी को एक के बाद एक साइन किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ग्यारह दिसंबर दो को रखी गई थी तब रजनीकांत जी का बर्थडे आता है तब कास्ट और क्रिय जितने भी थे फिल्म के वो पूजा सेरेमी में शामिल थे वो चेन्नई में रखी गई थी सन टी के नेटवर्क के ऑफिशियल ऑफिस में इसके अलावा इसकी शूटिंग है वो अट्ठारह दिसंबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहां पे पहले गाने से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी फिल्म में खुशबू ने अपना पोर्शन कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग लोकेशन जैसे कि कर्नाटक के जंगल में और अलग अलग जगह पे फिल्म को शूट किया गया था इसके अलावा इस फिल्म को हैदराबाद में मोस्टली शूट किया गया था साथ ही में चेन्नई में कुछ जगह पर शूट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई थी उसके बाद में काफ़ी मुसीबतों के बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में को रजनीकांत जी को कोविड हो गए जिस वजह से 25 दिसंबर 2020 को उनको फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया था 27 दिसंबर को उनको डिस्चार्ज किया गया फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 को फिर से रिज्यूम किया गया था जहां पे 30 दिन का एक लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म के काफ़ी सारे सीन्स को तमिलनाडु में शूट किया गया था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को अप्रैल 2021 तक काफ़ी बड़े बड़े सीक्वेंस को कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद हैदराबाद में कुछ एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म को काफ़ी लंबे शेड्यूल के बाद अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था फिल्म के प्रोबॉस प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो मई मही महीने में काम स्टार्ट किया गया था दस मई दो को जहाँ पे रजनीकांत जी ने अपने डबिंग पोर्सन से फिल्म की शुरुआत की हुई थी उनके कुछ पेज वर्स बाकी थे उसके ऊपर काम किया गया था जुलाई दो तक काफ़ी सारे चीज़ों को काम कंप्लीट कर, करवा लिया गया फिल्म का फाइनल शेड्यूल था वो वहीं पे सेट किया गया था और इस फिल्म की जो पहली कॉपी वो सितंबर 2021 में कंप्लीट की गई थी जहां पे यूए सर्टिफिकेट फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से दिया गया था फिल्म का टोटल रन टाइम एक मिनट था जहां पे फिल्म का हाफ फर्स्ट हाफ तिरासी मिनट था दूसरा हाफ था वो अस्सी मिनट का था म्यूज़िक के ऊपर बात करें तो फिल्म का अन्ना था फिल्म का जो साउंड ट्रेक है वो काफ़ी बड़ा है जहाँ पे उसको कंपोज़ किया हुआ है डी ईमान ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए म्यूजिक राइट्स सन पिक्चर्स के ही पास है जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म को तमिल में ऑल ऑरिजनली रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार के इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था इस फिल्म के गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो टाइटल ट्रैक अन्नाथे अन्नाथे जहाँ पे उसको गाया हुआ एस बी बाला सुब्रमण्यम ने दूसरा गाना है सारा काथे जिसको सिद्ध श्री राम श्रेया घोषाल ने गाया हुआ है तीसरा गाना मारुधानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए मनी अमूर धवलन ने सिंगर थे डी यमान वंदना श्रीवनीवास्तव और नकाश अजीज एंथनी दासन वाह स्वामी वाला गाना है वो मुकेश मोहम्मद नोचीपत्थी तिरुमत् की किला कर रही है ने गाया हुआ है यन्नदुरय का मेल वर्जन गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने वहीं पे फीमेल वर्जन है वो गाया हुआ है केस चित्रा ने ए फॉर थे वाला जो टाइटल रेखे वो रजनीकांत का वॉइस ओवर है और अरे वो ने उसको गाया हुआ है तो इस तरह से पाँच छः गाने जो मेन थे उसको गाया हुआ था वहीं पर थलाए राम पेज का थीम म्यूजिक है विलेज कुत्तू का थीम म्यूजिक है जो डी माने कम्पोज किया हुआ है यन्नदूराय का जो इंस्ट्रूमेंटल है वो उसमें वोकल्स दिए हुए के पी कुमारन ने तो इस तरह से टोटल दस गाने थे फिल्म में जिसको अगर, अगर अभी आपको सुनना है तो सन नेटवर्क के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब थिएट्रिकली रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को काफ़ी बड़े पैमाने पे रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को 25 अक्टूबर 2020 में दशहरे के मौके पर रिलीज़ किया गया था और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया सॉरी 25 अक्टूबर दो हज़ार को इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रिलीज़ करने वाले थे लेकिन सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया था मई मैं महीने में कि इस फिल्म का काम अभी बाकी है जिस वजह से ये फिल्म 14 जनवरी 2021 को आने वाली है लेकिन फिर से फिल्म कोविड 19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई बाद में फिल्म को चार नवंबर दो को दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग ले गई फिर भले ही फिल्म का कंटेंट उतना अच्छा नहीं था लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया इस फिल्म को लेकिन रजनीकांत जी के काफी सारे फैंस है जिसकी बदौलत यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी जहां पे आईएमडीबी पे फिल्म को सिर्फ चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे करीबन छियानवे सौ वोट किए गए दस हज़ार वोट किए गए करीब आसपास तो रेटिंग काफी ज्यादा एवरेज है एवरे लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी जिसका मेन रीजन थे रजनीकांत जी अदरवाइज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना नहीं चल पाती इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफी मजबूत थे जिस वजह से सभी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ने काफ़ी अच्छी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी जहाँ पे फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ था फिल्म को सिर्फ तमिल और तेलुगू वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन में नहीं किया गया था हिंदी वर्जन में डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज़ किया गया था तो अब हम बात कर लेते फिल्म के होम मीडिया के ऊपर तो सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के नॉन थेटिकली राइट्स टेलीविज़न और ओ दोनों खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ था सन टीवी वालों ने तमिल वर्जन के साथ साथ कन्नडा तेलुगु मलयालम वर्जन में इस फिल्म को डब किया गया था और साथ ही हिंदी वर्जन के राइट्स भी डब किए गए थे लेकिन हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस वालों ने तो सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के राइट्स को अपने पास रखते हुए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप करते हुए इस फिल्म की डिजिटल रिलीज़ करवाई हुई थी जहां पे 25 नवंबर 2021 को यानी कि थिएटरकल रिलीज़ के 22 दिनों के बाद ये फ़िल्म सन नेक्स्ट के ऊपर और नेटफ्लिक्स के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्ज़न में ये फिल्म अवेलेबल करवा दी गई थी हिंदी वर्ज़न थोड़ा लेट प्रीमियर करवाया गया था तो अब हम बात कर ले कहाँ पर ये फिल्म किस तरह से देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो सन पिक्चर्स के पास इसके राइट से इसका मतलब ये फिल्म आपको सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर यानी कि सन नेटवर्क के जितने भी जो तेलुगु कन्नडा तमिल और मलयालम वर्जन की चैनल है उसके ऊपर बिल्कुल फ्री में ये फिल्म अन्नाथे के नाम से देखने को मिलेगी जहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है जैसे कि अन्नाथे पेडन्ना इस तरह से अलग अलग नाम के साथ ये फिल्म अपने रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में देखने को मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ की तो सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स वालों ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए फिल्म का टाइप किया हुआ था तो फिल्म के तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम वर्जन विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब टाइटल नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन के राइट्स थे गोल माइंस के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन सब कंप्लीट करवा दिया गया था उन्होंने भी इस फिल्म के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को भी अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म का जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास है इसके अलावा टेलीविजन राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने अपने पास रखे हुए उन्होंने इस फिल्म को गोलमाइंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न में आपको गोलमाइस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने उन्होंने बेच दिए अब पता नहीं कि उन्होंने यूट्यूब राइट्स रखे या नहीं अलग से लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी रखे हुए हैं तो ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम के साथ हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पर गोलमाइस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न पर देखने को मिलेगी अदरवाइज अगर यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो टेलीविजन प्रीमियर के कुछ लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल सकती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के टेलीविजन राइट सभी वर्जन के लिए रखे हुए थे तो सन टीवी की सभी वर्जन की चैनल यानी कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन की, की चैनल के ऊपर अपने अपने जो वर्जन है जैसे कि तमिल वे मेन वर्जन तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन वहां पे फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन के सैटेलाइट राइट्स एक गोलमांस के पास तो ये फिल्म आपको हिंदी वर्जन में गोलमांस के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी अब सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के साउथ इंडियन वर्जन के जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाइप अप किए हुए तो सन सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ-साथ ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ साथ तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स गोलमाइंस वाले के पास थे उन्होंने नेटफ्लिक्स वालों के राइट्स बेच दिए तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी वर्जन में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी अब टेलीविजन प्रीमियर गोलमाइंस करवा रहा है तो अब उसके पास यूट्यूब राइट्स है या नहीं वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है अगर गोलमाइंस के पास इस फिल्म की यूट्यूब राइट्स है तो टेलीविजन प्रीमियर के लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको यूट्यूब पर गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी तो इस तरह से अनाथ फिल्म आप तमिल तेलुगू कन्नडा और मलयालम और साथ ही में हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे टेलीविज़न और ओ के ऊपर अब थिएट्रिकली रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को काफी बड़े पैमाने पर पे रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को 25 अक्टूबर 2020 में दशहरे के मौके पर रिलीज किया गया था और जब फिल्म को रिलीज किया गया सॉरी पच्चीस अक्टूबर 2020 को इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रिलीज़ करने वाले थे लेकिन सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया था मई मैं महीने में कि इस फिल्म का काम अभी बाकी है जिस वजह से ये फिल्म 14 जनवरी 2021 को आने वाली है लेकिन फिर से फिल्म कोविड 19 की वजह से पोस्टपोन हो गई बाद में फिल्म को चार नवंबर दो को दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग ले गई फिर भले ही फिल्म का कंटेंट उतना अच्छा नहीं था लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया फिल्म को लेकिन रजनीकांत जी के काफ़ी सारे फैंस है जिसकी बदौलत ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जहाँ पे आई पे फिल्म को सिर्फ चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे करीबन छियानवे वोट किए गए दस हज़ार वोट किए गए करीब आसपास तो रेटिंग काफ़ी ज़्यादा एवरेज है लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर गई थी जिसका मेन रीज़न थे रजनीकांत जी अदरवाइज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना नहीं चल पाती इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफ़ी मजबूत थे जिस वजह से सभी वर्जनस के लिए डिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर ने काफ़ी अच्छी स्क्रीन दिलवाई हुई थी जहाँ पे फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ था फिल्म को सिर्फ तमिल और तेलुगु वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन में नहीं किया गया था हिंदी वर्जन में डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज़ किया गया था तो अब हम बात कर लेते फिल्म के होम मीडिया के ऊपर तो सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के नॉन थिएटिकली राइट्स टेलीविज़न और ओ दोनों खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ था सन टीवी वालों ने तमिल वर्जन के साथ साथ कन्नडा तेलुगु मलयालम वर्जन में इस फिल्म को डब किया गया था और साथ ही हिंदी वर्जन के राइट्स भी डब किए गए थे लेकिन हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे गोल वालों ने तो सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के राइट्स को अपने पास रखते हुए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप करते हुए इस फिल्म की डिजिटल रिलीज़ करवाई हुई थी जहां पे 25 नवंबर 2021 को यानी कि थिएटरकल रिलीज़ के 22 दिनों के बाद ये फ़िल्म सन नेक्स्ट के ऊपर और नेटफ्लिक्स के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्ज़न में ये फिल्म अवेलेबल करवा दी गई थी हिंदी वर्जन थोड़ा लेट प्रीमियर करवाया गया था तो अब हम बात कर ले कहाँ पर ये फिल्म किस तरह से देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो सन पिक्चर्स के पास इसके राइट से इसका मतलब ये फिल्म आपको सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर यानी कि सन नेटवर्क के जितने भी जो तेलुगु कन्नड़ा तमिल और मलयालम वर्जन की चैनल है उसके ऊपर बिल्कुल फ्री में ये फिल्म अन्नाथे के नाम से देखने को मिलेगी जहां पे अलग अलग नाम दिया हुआ है जैसे कि अन्नाथे पेडन्ना इस तरह से अलग अलग नाम के साथ ये फिल्म अपने रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में देखने को मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ की तो सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स वालों ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए फिल्म का टाइप किया हुआ था तो फिल्म के तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम वर्जन विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन के राइट्स थे गोलमाइंस के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन सब कंप्लीट करवा दिया गया था उन्होंने भी इस फिल्म के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को भी अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म का जो ओ टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास है इसके अलावा टेलीविज़न राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने अपने पास रखे हुए हैं उन्होंने इस फिल्म को गोलमाइंस के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न में आपको गोलमैंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने उन्होंने बेच दिए अब पता नहीं कि उन्होंने यूट्यूब राइट्स रखे या नहीं अलग से लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी रखे हुए हैं तो ये फिल्म आपको तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम के साथ हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पर गोलमैंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न पर देखने को मिलेगी अदरवाइज अगर यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो टेलीविजन प्रीमियर के कुछ लंबे समय के बाद यह फिल्म आपको गोलमाइंस के ऑफिशियल ऑफिसियल चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल सकती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के टेलीविजन राइट सभी वर्जन के लिए रखे हुए थे तो सन टीवी की सभी वर्जन की चैनल यानी कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन की, की चैनल के ऊपर अपने अपने जो वर्जन है जैसे कि तमिल मेन वर्जन तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन वहां पे फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन के गोलमाइन के पास तो यह फिल्म आपको हिंदी वर्जन में गोलमेन्स के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी अब सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के साउथ इंडियन वर्जन के जो राइड्स के साथ टाइप किए हुए तो सन सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ साथ ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर तमिल मेन लैंग्वेज के साथ साथ तेलगु कनाड़ा मलयालम डॉट वर्जन में देखने को मिलेगी अन्ना थे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है होता है बिग ब्रदर अन्नाथे दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे फैमिली एंटरटेनमेंट भी आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो शिवा ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया शिवा का था उसके ऊपर डायलॉग्स शिवा सवारी मुथु एंथनी भाग्यराज चंद्रन पच्ची मुथू ने लिखे हुए और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो की हुई है सिवा और आदि नारायणन ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी शिवा ने ही किया हुआ है और डिरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर से काल निथी मारन जिन्होंने सन पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है पी पिक्चर्स और रेड जाएंट मूवीज़ के द्वारा और इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में ही बनाया गया है इसके अलावा दूसरे सभी लैंग्वेज़ में फ़िल्म को डब किया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बात करें तो रजनीकांत आपको टाइटल किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अपोजिट है कीर्ति सुरेश उनकी बहन का रोल प्ले कर रही है नयनतारा उनके अपोजिट लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है खुशबू मीना जगपति बाबू प्रकाश राज सूरी अभिमन्यु सिंह बाला कलपो लीला वेला रामामूर्ति लिविंगस्टन पांडिराजन सतीश सत्यान रेडिन किंग्सले सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जॉर्ज मारियन अर्जाय थवासी विश्वंत श्रीजा रवि श्री रंजनी नादुल गोपाल रजिता पिराई सूडन रिकेश रवि अवाना मास्टर भावनाज अयपापी शर्मा और अंजलि नेर ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये लंबी सपोर्टिंग कास्ट है इसके अलावा लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है तो ये काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स है जिन्होंने सपोर्टिंग कास्ट लीड रोल प्ले किया हुआ है इतने एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क क्या हुआ है इस बेटरी ने सिनेमेटोग्राफी बैटरी की देखने को मिलेगी जहाँ पे काफी खूबसूरत लोकेशन को उन्होंने इस फिल्म में दिखाया हुआ है फिल्म के जोनर को अच्छी तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ था एडिटिंग रूबिन ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको करीबन दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है डी ईमान ने डी ईमान ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए थे जहां पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार था इस फिल्म का साउंड है जो गाने वो काफी ज्यादा है जहां पे इंस्ट्रूमेंटल वर्जन फीमेल वर्जन को मिलाकर टोटल दस गाने थे जिसका लेंथ था सैंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड वो भी डी ईमान ने ही कंपोज किया हुआ है अब हम इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया था यानी कि तेरह साल से सभी बड़े बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं। अब हम इस फिल्म के कास्टिंग में जो कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके एक जानकारी दे देते दे कलायन और अनाथे वाला किरदार है वो रजनीकांत ने प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश आपको थंगा मीनाक्षी के रोल में दिखाई देंगी जो कलैयान की सिस्टर है नयन तारा ने एडवोकेट पतमल यानी कि कलैन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है खुशबू ने अंग्ञान रन कन्नी का रोल प्ले किया हुआ है मीना ने माग्ञा कारसी मगाई का रोल प्ले किया हुआ है जगपति बाबू ने उद्धव पारेकर का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने नत्त नत्तदूराई का रोल प्ले किया हुआ है सूर्य ने पच्चकिल्ली का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने मनोज पारेकर उद्धव पारेकर के भाई और प्रॉपर्टी ग्रेबर का रोल प्ले किया हुआ है बाला ने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है जो मनोज का फ्रेंड है कुलूपुल लीला ने कलयन की ग्रैंडफादर फादर ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है वेला रामा मूर्ति ने कलयन के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने इुलंडी यानी कि माँ मगैर करसी के हस्बैंड का, का रोल प्ले किया हुआ है पांडे राज ने इदीरन तिंगी यानी कि अगय कर्सी के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने सत्यशीलान यानी कि अगर कन्नी के ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने अगल दुराई यानी कि मगैर कर्सी का भाई का रोल प्ले किया हुआ है तो ये कुछ इस फिल्म के इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जिसमें वो भी काफ़ी शानदार नजर आ रहे थे सभी को जो रोल दिया गया था उसमें काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे थे डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल लिखा हुआ था उसको बखूबी नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ था इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो वही रूटीन टिपिकल देखने को मिलेगा अगर आप रजनीकांत के बहुत बड़े फिल्म फैन फे, हो तो उनके लिए फिल्म जरूर देख पाओगे अदरवाइज न्यूट्रल ऑडियंस हो तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी नज़र आने वाली है स्क्रिप्टिंग का काम काफ़ी ढीला था डायलॉग ठीक ठाक थे डिरेक्शन एक उतना एग्जीक्यूशन वाला नहीं था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अलावा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी हाई है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी साथ ही में फ़िल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसकी जो सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था फिल्म का जो कलर टोन था वो बढ़िया था लाइटिंग अच्छी थी फिल्म का कैमरा वर्क इतना बेहतरीन था जिस वजह से जो एक्शन सिक्नस है जो फिल्म का अलग अलग लोकेशन है कैमरा मैने काफी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था रजनीकांत का किरदार उन्होंने अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था एडिटिंग डिसेंट थी इस फिल्म की एडिटिंग में थोड़ी कटौती की जा सकती थी फिल्म को करीबन दस पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था था। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार है सॉन्ग ठीक ठाक थे वहीं पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन uh, वैल्यू है वो काफ़ी हाई था जिस वजह से आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी परफेक्ट नजर आएगा आपको डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो 2019 में इस फिल्म के ऊपर मीडिया ने रिपोर्ट क्लेम की हुई थी कि रजनीकांत और डायरेक्टर शिवा एक साथ फिल्म करने वाले दरबार के रिलीज़ के बाद उनकी ये फिल्म कन्फर्म हुई जहाँ पर कलन थी मारन ने ग्यारह अक्टूबर दो को बताया हुआ था कि सन पिक्चर्स एक प्रोजेक्ट करने वाले थलाई ओवर के नाम के साथ उसके बाद में ऑफिशियली सभी अनाउंसमेंट के बाद फिल्म का नाम और टाइटल्स फिक्स किया गया था जहाँ पे बताया गया था कि दरबार फिल्म के बाद इस फिल्म में रजनीकांत ने एक करोड़ रुपए सैलरी मांगी हुई थी लेकिन दरबार फिल्म के बाद उतनी से वो सैलरी देने के लिए प्रोड्यूसर्स ने रिफ्यूज़ किया जिस वजह से बाद में काफ़ी सारी एग्रीमेंट के बाद इस फिल्म की सैलरी रजनीकांत जी की डिक्रीज की गई और उसके बाद में एक मीडियम मीडियम तो नहीं बोला जाएगा हाई बजट था तो रजनीकांत की सैलरी डिस्क्रीज करने के बाद फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया उसके बाद में अक्टूबर 2019 में कीर्ति सुरेश को एक पावटल रोल के लिए साइन किया गया उसके बाद में काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट है सभी को एक के बाद एक साइन किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ग्यारह दिसंबर दो को रखी गई थी तब रजनीकांत जी का बर्थडे आता है तब कास्ट और क्र्यूज जितने भी थे फिल्म के वो पूजा से में में शामिल थे वो चेन्नई में रखी गई थी सन टीवी के नेटवर्क के ऑफिशियल पेट ऑफिस में इसके अलावा इसकी शूटिंग है वो अट्ठारह दिसंबर दो हज़ार उन्नीस में रामोजी फ़िल्म सिटी हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पर पहले गाने से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी फिल्म में खुशबू ने अपना पोर्शन कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग लोकेशन जैसे कि कर्नाटक के जंगल में और अलग अलग जगह पे फिल्म को शूट किया गया था इसके अलावा इस फिल्म को हैदराबाद में मोस्टली शूट किया गया था साथ ही में चेन्नई में कुछ जगह पर शूट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई थी उसके बाद में काफ़ी मुसीबतों के बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में को रजनीकांत जी को कोविड हो गए जिस वजह से 25 दिसंबर 2020 को उनको फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया था 27 दिसंबर को उनको डिस्चार्ज किया गया फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 को फिर से रिज्यूम किया गया था जहां पे 30 दिन का एक लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म के काफ़ी सारे सीन्स को तमिलनाडु में शूट किया गया था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को अप्रैल 2021 तक काफ़ी बड़े बड़े सीक्वेंस को कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद हैदराबाद में कुछ एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म को काफ़ी लंबे शेड्यूल के बाद अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था फिल्म के प्रोबॉस प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो मई महीने में काम स्टार्ट किया गया था दस मई दो को जहाँ पे रजनीकांत जी ने अपने डबिंग पोर्सन से फिल्म की शुरुआत की हुई थी उनके कुछ पेचवर्स बाकी थे उसके ऊपर काम किया गया था जुलाई दो तक काफ़ी सारे चीज़ों को काम कर, कम्प्लीट करवा लिया गया फिल्म का फाइनल शेड्यूल था वो वहीं पे सेट किया गया था और इस फिल्म की जो पहली कॉपी वो सितंबर 2021 में कंप्लीट की गई थी जहां पे यूए सर्टिफिकेट फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से दिया गया था फिल्म का टोटल रन टाइम एक मिनट था जहाँ पे फिल्म का हाफ फर्स्ट हाफ तिरासी मिनट था दूसरा हाफ था वो अस्सी मिनट का था म्यूज़िक के ऊपर बात करें तो फिल्म का अन्ना थे फिल्म का जो साउंड ट्रेक है वो काफ़ी बड़ा है जहाँ पे उसको कंपोज़ किया हुआ है डी ईमान ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूजिक राइट सन पिक्चर्स के ही पास है जो फिल्म के प्रोड्यूसर है इस फिल्म को तमिल में ओरिजिनली रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार के इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया था इस फिल्म के गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आप ज़रूर इन्जॉय कर पाओगे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो टाइटल ट्रैक अन्ना थे अननाथ जहाँ पे को गाया हुआ एस बी बाला सुब्रमण्यम ने दूसरा गाना है सारा कात जिसको सिद्ध श्री राम श्रेया घोषाल ने गाया हुआ है तीसरा गाना मारुधानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए मनी अमूर्धवलन ने सिंगर थे डी यमान वंदना श्रीवनीवास्तव और नकाश अजीज एंथनी दासन वहा स्वामी वाला गाना है वो मुकेश मोहम्मद नोचीपत्थी तिरुमति किला कर रही है ने गाया हुआ है यन्नदुरय का मेल वर्जन गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने वहीं पे फीमेल वर्जन है वो गाया हुआ है के एस चित्रा ने ए फॉर थे वाले जो टाइटल रेखे वो रजनीकांत का वॉइस ओवर है और अरे वो ने उसको गाया हुआ है तो इस तरह से पांच छह गाने जो मेन थे उसको गाया हुआ था वहीं पर थलाए राम पेज का थीम म्यूजिक है विलेज कुत्तू का थीम म्यूजिक है जो डी मा ने ही कम्पोज किया हुआ है यन्नदूराई का जो इंस्ट्रूमेंटल है वो उसमें वोकल्स दिए हुए के पी कुमारन ने तो इस तरह से टोटल दस गाने थे फिल्में जिसके ऊपर अगर अभी आप आपको सुनना है तो सन नेटवर्क के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब थिएट्रिकली रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को काफ़ी बड़े पैमाने पर पे रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को 25 अक्टूबर 2020 में दशहरे के मौके पर रिलीज़ किया गया था और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो सॉरी 25 अक्टूबर दो हज़ार को इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रिलीज़ करने वाले थे लेकिन सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया था मई मैं महीने में कि इस फिल्म का काम अभी बाकी है जिस वजह से ये फिल्म 14 जनवरी 2021 को आने वाली है लेकिन फिर से फिल्म कोविड 19 की वजह से पोस्टपोन हो गई बाद में फिल्म को चार नवंबर दो को दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग ले गई फिर भले ही फिल्म का कंटेंट उतना अच्छा नहीं था लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया फिल्म को लेकिन रजनीकांत जी के काफी सारे फैंस जिसकी बदौलत हिट साबित हुई थी करीब, करीब आसपास तो रेटिंग काफी ज्यादा एवरेज है लेकिन उसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर गई थी जिसका मेन रीजन थे रजनीकांत जी अदरवाइज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना नहीं चल पाती इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफी मजबूत थे जिस वजह से सभी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ने काफी अच्छी स्क्रीन दिलवाई हुई थी जहाँ पे फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ था फिल्म को सिर्फ तमिल और तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था हिंदी वर्जन में नहीं किया गया था हिंदी वर्जन में डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज किया गया था तो अब हम बात कर लेते फिल्म के होम मीडिया के ऊपर तो सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के नॉन थेटिकली राइट्स टेलीविज़न और ओटीटी दोनों खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेज़ के लिए नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किया हुआ था सन टीवी वालों ने तमिल वर्जन के साथ साथ कन्नडा तेलुगु मलयालम वर्जन में इस फिल्म को डब किया गया था और साथ ही में हिंदी वर्जन के राइट्स भी डब किए गए थे लेकिन हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस वालों ने तो सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के राइट्स को अपने पास रखते हुए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप करते हुए इस फिल्म की डिजिटल रिलीज़ करवाई हुई थी जहां पे 25 नवंबर 2021 को यानी कि थिएटरकल रिलीज़ के, के 22 दिनों के बाद ये फ़िल्म सन नेक्स्ट के ऊपर और नेटफ्लिक्स के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्ज़न में ये फिल्म अवेलेबल करवा दी गई थी हिंदी वर्ज़न थोड़ा लेट प्रीमियर करवाया गया था तो अब हम बात कर ले कहाँ पर ये फिल्म किस स्तर से देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो सन पिक्चर्स के पास इसके राइट्स है इसका मतलब ये फिल्म आपको सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर यानी कि सन नेटवर्क के जितने भी जो तेलुगु कन्नड़ा तमिल और मलयालम वर्जन की चैनल है उसके ऊपर बिल्कुल फ्री में ये फिल्म अन्नाथे के नाम से देखने को मिलेगी जहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है जैसे कि अन्नाथे पेडन्ना इस तरह से अलग अलग नाम के साथ ये फिल्म अपने रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में देखने को मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ की तो सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स वालों ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए फिल्म का टाइप किया हुआ था तो फिल्म के तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम वर्जन विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन के राइट्स थे गोलमाइंस के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन सब कंप्लीट करवा दिया गया था उन्होंने भी इस फिल्म के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को भी अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म का जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास है इसके अलावा टेलीविजन राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने अपने पास रखे हुए हैं उन्होंने इस फिल्म को गोलमाइंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न में आपको गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने उन्होंने बेच दिए अब पता नहीं कि उन्होंने यूट्यूब राइट्स रखे या नहीं अलग से लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी रखे हुए हैं तो ये फिल्म आपको तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम के साथ हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पर गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न पे देखने को मिलेगी अदरवाइज राइट्स गोलमाइंस के, राइट के ही पास है तो टेलीविजन प्रीमियर के कुछ लंबे समय के बाद यह फिल्म आपको के के बिल्कुल फ्री में इस फिल्म के राइट सभी वर्जन के लिए रखे हुए थे तो सन टीवी की सभी वर्जन की चैनल यानी कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन की, की चैनल के ऊपर अपने अपने जो वर्जन है जैसे कि तमिल वर्जन तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन वहां पे फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन के सैटेलाइट राइट्स है गोलमाइंस के पास तो ये फिल्म आपको हिंदी वर्जन में गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी अब सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के साउथ इंडियन वर्जन के जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किए हुए तो सन सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ साथ ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ साथ तेलुगु कन्नडा मलयालम डॉट वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे हिंदी डॉ वर्जन के राइट्स गोलमाइंस वाले के पास थे उन्होंने नेटफ्लिक्स वालों के राइट्स बेच दिए तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी वर्जन में विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी अब टेलीविजन प्रीमियर गोलमाइंस करवा रहा है तो अब उसके पास यूट्यूब राइट्स है या नहीं वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है अगर गोलमाइंस के पास इस फिल्म के यूट्यूब राइट्स है तो टेलीविजन प्रीमियर के लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी तो इस तरह से अन्नाथी फिल्म आप तमिल तेलुगू कन्नडा और मलयालम और साथ ही में हिंदी वर्जन में इंजॉय कर पाओगे टेलीविजन और ओटीटी के ऊपर अन्नाथे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो है होता है बिग ब्रदर अन्नाथे 2021 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे फैमिली एंटरटेनमेंट भी आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो शिवा ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया शिवा का था उसके ऊपर डायलॉग शिवा सवारी मुथ्थु एंथनी भाग्यराज चंद्रन पच्चीमुत्तू ने लिखे हुए और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो की हुई है शिवा और आदि नारायणन ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी शिवा ने ही किया हुआ है और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स है कालनिथि मारन जिन्होंने सन पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है पी पिक्चर्स और रेड जाएंट मूवीज के द्वारा और इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में ही बनाया गया है इसके अलावा दूसरे सभी लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बात करें तो रजनीकांत आपको टाइटल किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अपोजिट है कीर्ति सुरेश उनकी बहन का रोल प्ले कर रही है नयनतारा तारा उनके अपोजिट लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है खुशबू मीना जगपति बाबू प्रकाश राज सूरी अभिमन्यु सिंह बाला कलप्पू लीला वेला रामामूर्ति लिविंगस्टन पांडिराजन सतीश सत्य, सत्यान रेड इन किंग्स ले सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ज्योर्ज मारियन अरजय थवासी विश्वंत श्रीजा रवि श्री रंजनी नादुल गोपाल रजिता पीराई सूडन रिकेश रवि अवाना मास्टर भावनाज अयप्पापी शर्मा और अंजलि नेर ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये लंबी सपोर्टिंग कास्ट है इसके अलावा लीड कास्ट भी काफी लंबी है तो ये काफी बड़े बड़े एक्टर्स है जिन्होंने सपोर्टिंग कास्ट लीड रोल प्ले किया हुआ है इतने एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क क्या हुआ है बेटरी ने सिनेमेटोग्राफी बेटरी की देखने को मिलेगी जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोकेशन को उन्होंने इस फिल्म में दिखाया हुआ है फिल्म के जोनर को अच्छी तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ था एडिटिंग रूबिन ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको करीबन दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है डी ईमान ने डी ईमान ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए थे जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी शानदार था इस फिल्म का साउंड है जो गाने वो काफ़ी ज्यादा है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल वर्जन फीमेल वर्जन को मिला टोटल दस गाने थे जिसका लेंथ था सैंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड वो भी डी ईमान ने ही कंपोज किया हुआ है अब हम इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था यानी कि तेरह साल से अब सभी बड़े बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं अब हम इस फिल्म के कास्टिंग में जो कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसकी एक जानकारी दे देते दे कलायन और अनाथे वाला किरदार है वो रजनीकांत ने प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश आपको थंगा मीनाक्षी के रोल में दिखाई देंगी जो कलैयान की सिस्टर है नयन तारा ने एडवोकेट पतमल यानी कि कलैयान के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है खुशबू ने अंग्ञान कन्नी का रोल प्ले किया हुआ है मीना ने माग्या कारसी मगाई का रोल प्ले किया हुआ है जगपति बाबू ने उद्धव पारेकर का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने नत्त दूराई का रोल प्ले किया हुआ है सूरी ने पच्च का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने मनोज पारेकर उद्धव पारेकर के भाई और

का रोल प्ले किया हुआ है तो ये कुछ इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जिसमें वो बखूबी काफी शानदार नजर आ रहे थे सभी को जो रोल दिया गया था उसमें काफी बेहतर नजर आ रहे थे डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल लिखा हुआ था उसको बखूबी नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ था इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो वही रूटीन टिपिकल देखने को मिलेगा अगर आप रजनीकांत के बहुत बड़े फिल्म फैन फे, हो तो उनके लिए फिल्म ज़रूर देख पाओगे अदरवाइज न्यूट्रल ऑडियंस हो तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी नज़र आने वाली है स्क्रिप्टिंग का काम काफ़ी ढीला था डायलॉग ठीक ठाक थे डिरेक्शन एक उतना एग्जीक्यूशन वाला नहीं था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अलावा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी हाई है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी साथ ही में फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसकी जो सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था फिल्म का जो कलर टोन था वो बढ़िया था लाइटिंग अच्छी थी फिल्म का कैमरा वर्क इतना बेहतरीन था जिस वजह से जो एक्शन सिक्न है जो फिल्म का अलग अलग लोकेशन है कैमरा मैन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था रजनीकांत का किरदार उन्होंने अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था एडिटिंग डिसेंट थी इस फिल्म की एडिटिंग में थोड़ी कटौती की जा सकती थी फिल्म को करीबन दस पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार है सॉन्ग ठीक ठाक थे वहीं पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन uh, वैल्यू है वो काफ़ी हाई था जिस वजह से आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी परफेक्ट नजर आएगा आपको डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो 2019 में इस फिल्म के ऊपर मीडिया ने रिपोर्ट क्लेम की हुई थी कि रजनीकांत और डायरेक्टर शिवा एक साथ फिल्म करने वाले दरबार के रिलीज़ के बाद उनकी ये फिल्म कन्फर्म हुई जहाँ पर कलंक थी मारन ने ग्यारह अक्टूबर दो को बताया हुआ था कि सन पिक्चर्स एक प्रोजेक्ट करने वाले थ्लाई ओवर के नाम के साथ उसके बाद में ऑफिशियली सभी अनाउंसमेंट के बाद फिल्म का नाम और टाइटल्स फिक्स किया गया था जहां पे बताया गया था कि दरबार फिल्म के बाद इस फिल्म में रजनीकांत ने 118 करोड़ रुपए सैलरी मांगी हुई थी लेकिन दरबार फिल्म के बाद उतनी से वो सैलरी देने के लिए प्रोड्यूसर्स ने रिफ्यूज किया जिस वजह से बाद में काफी सारी एग्रीमेंट के बाद इस फिल्म की सैलरी रजनीकांत जी की डिक्रीज की गई और उसके बाद में एक मीडियम मीडियम तो नहीं बोला जाएगा हाई बजट था तो रजनीकांत की सैलरी डिस्क्रीज करने के बाद फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया उसके बाद में अक्टूबर 2019 में कीर्ति सुरेश को एक पावटल रोल के लिए साइन किया गया उसके बाद में काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट है सभी को एक के बाद एक साइन किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ग्यारह दिसंबर दो को रखी गई थी तब रजनीकांत जी का बर्थडे आता है तब कास्ट और क्रू जितने भी थे फिल्म के वो पूजा से शामिल थे वो चेन्नई में रखी गई थी सन टी के नेटवर्क के ऑफिशियल ऑफिस में इसके अलावा इसकी शूटिंग है वो अट्ठारह दिसंबर दो में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहां पर पहले गाने से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी फिल्म में खुशबू ने अपना पोर्शन कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग लोकेशन जैसे कि कर्नाटक के जंगल में और अलग अलग जगह पे फिल्म को शूट किया गया था इसके अलावा इस फिल्म को हैदराबाद में मोस्टली शूट किया गया था साथ ही में चेन्नई में कुछ जगह पर शूट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई थी उसके बाद में काफ़ी मुसीबतों के बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में को रजनीकांत जी को कोविड हो गया जिस वजह से 25 दिसंबर 2020 को उनको फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया था 27 दिसंबर को उनको डिस्चार्ज किया गया फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 को फिर से रिज्यूम किया गया था जहां पे 30 दिन का एक लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म के काफ़ी सारे सीन्स को तमिलनाडु में शूट किया गया था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को अप्रैल 2021 तक काफ़ी बड़े बड़े सीक्वेंस को कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद हैदराबाद में कुछ एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म को काफ़ी लंबे शेड्यूल के बाद अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था फिल्म के प्रोबॉश प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो मई मही महीने में काम स्टार्ट किया गया था दस मई दो को जहाँ पे रजनीकांत जी ने अपने डबिंग पोर्सन से फिल्म की शुरुआत की हुई थी उनके कुछ पेचवर्स बाकी थे उसके ऊपर काम किया गया था जुलाई दो तक काफ़ी सारे चीज़ों को काम कंप्लीट कर, करवा लिया गया फिल्म का फाइनल शेड्यूल था वो वहीं पे सेट किया गया था और इस फिल्म की जो पहली कॉपी वो सितंबर 2021 में कंप्लीट की गई थी जहां पे यूए सर्टिफिकेट फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से दिया गया था फिल्म का टोटल रन टाइम एक मिनट था जहाँ पे फिल्म का हाफ फर्स्ट हाफ तिरासी मिनट था दूसरा हाफ था वो अस्सी मिनट का था म्यूज़िक के ऊपर बात करें तो फिल्म का अन्नाथ है फिल्म का जो साउंड ट्रेक है वो काफ़ी बड़ा है जहाँ पे उसको कंपोज किया हुआ है डी ईमान ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूजिक राइट्स सन पिक्चर्स के ही पास है जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म को तमिल में ओरिजिनली रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार के इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया था इस फिल्म के गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आप ज़रूर इंजॉय कर पाओगे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो टाइटल ट्रेक अन्नाथे अन्नाथे जहाँ पे उसको गाया हुआ, एस बी बाला सुब्रमण्यम ने दूसरा गाना है सारा जिसको सिद्ध श्री राम श्रे घोषाल ने गाया हुआ है तीसरा गाना मारुधानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए मनी अमूल धवलन ने सिंगर थे डी यमान वंदना श्रीवनीवास्तव और नकाश अजीज एंथनी दासन स्वामी वाला गाना है वो मुकेश मोहम्मद नोचीपति तिरुमति की कि, किला कर रही है ने गाया हुआ है यन्नदराय का मेल वर्जन गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने वहीं पे फीमेल वर्जन है वो गाया हुआ है के एस जित ने ए फॉर अन्नाथे वाले जो टाइटल रेखे वो रजनीकांत का वॉइस ओवर है और अरे वो ने उसको गाया हुआ है तो इस तरह से पांच छह गाने जो मेन थे उसको गाया हुआ था वहीं पर थला एव राम पेज का थीम म्यूजिक है विलेज कुत्तू का थीम म्यूजिक है जो डी माँ ने ही कम्पोज किया हुआ है यन्नदराय का जो इंस्ट्रूमेंटल है वो उसमें वोकल्स दिए हुए के पी कुमारन ने तो इस तरह से टोटल दस गाने थे फिल्म में जिसको अगर अभी आप आपको सुनना है तो सन नेटवर्क के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब थिएट्रिकली रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को काफी बड़े पैमाने पर पे रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को 25 अक्टूबर 2020 में दशहरे के मौके पर रिलीज किया गया था और जब फिल्म को रिलीज किया गया तो, सॉरी पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार को इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रिलीज़ करने वाले थे लेकिन सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया था मई मैं महीने में कि इस फिल्म का काम अभी बाकी है जिस वजह से ये फिल्म 14 जनवरी 2021 को आने वाली है लेकिन फिर से फिल्म कोविड 19 की वजह से पोस्टपोन हो गई बाद में फिल्म को चार नवंबर दो को दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग ले गई फिर भले ही फिल्म का कंटेंट उतना अच्छा नहीं था लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया फिल्म को लेकिन रजनीकांत जी के काफी सारे फैन है जिसकी बदौलत फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई थी जहां पे, पे फिल्म को सिर्फ चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पर करीबन छियानो वोट किए गए दस वोट किए गए करीब आसपास तो रेटिंग काफी ज्यादा एवरेज है लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर गई थी जिसका मेन रीजन थे रजनीकांत जी अदरवाइज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना नहीं चल पाती इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफी मजबूत थे जिस वजह से सभी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब डिस्ट्रीब्यूटर ने काफी अच्छी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी जहाँ पे फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ था फिल्म को सिर्फ तमिल और तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन में नहीं किया गया था हिंदी वर्जन में डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज़ किया गया था तो अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के होम मीडिया के ऊपर तो सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के नॉन थिएटिकली राइट्स टेलीविज़न और ओटीटी दोनों खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किया हुआ था सन टीवी वालों ने तमिल वर्जन के साथ साथ कन्नड़ा तेलुगु मलयालम वर्जन में इस फिल्म को डब किया गया था और साथ ही में हिंदी वर्जन के राइट्स भी डब किए गए थे लेकिन हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस वालों ने तो सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के राइट्स को अपने पास रखते हुए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप करते हुए इस फिल्म की डिजिटल रिलीज़ करवाई हुई थी जहां पे 25 नवंबर 2021 को यानी कि थिएटरकल रिलीज़ के 22 दिनों के बाद ये फ़िल्म सन नेक्स्ट के ऊपर और नेटफ्लिक्स के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम वर्ज़न में ये फिल्म अवेलेबल करवा दी गई थी हिंदी वर्जन थोड़ा लेट प्रीमियर करवाया गया था तो अब हम बात कर ले कहाँ पर ये फिल्म किस तरह से देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो सन पिक्चर्स के पास इसके राइट से इसका मतलब ये फिल्म आपको सन टीवी के टेलीविज़न चैनल के ऊपर यानी कि सन नेटवर्क के जितने भी जो तेलुगु कन्नडा तमिल और मलयालम वर्जन की चैनल है उसके ऊपर बिल्कुल फ्री में ये फिल्म अन्नाथे के नाम से देखने को मिलेगी जहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है जैसे कि अन्नाथे पेडन्ना इस तरह से अलग अलग नाम के साथ ये फिल्म अपने रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में देखने को मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ की तो सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स वालों ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए फिल्म का टाइप किया हुआ था तो फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन, विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन के राइट्स थे गोलमाइंस के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन सब कंप्लीट करवा दिया गया था उन्होंने भी इस फिल्म के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को भी अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म का जो ओ टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास है इसके अलावा टेलीविजन राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने अपने पास रखे हुए उन्होंने इस फिल्म को गोलमाइंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न में आपको गोलमैंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने उन्होंने बेच दिए अब पता नहीं कि उन्होंने यूट्यूब राइट्स रखे या नहीं अलग से लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी रखे हुए हैं तो ये फिल्म आपको तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम के साथ हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पर गोलमैंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न पर देखने को मिलेगी अदरवाइज अगर यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो टेलीविजन प्रीमियर के कुछ लंबे समय के बाद यह फिल्म आपको गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल सकती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के टेलीविजन राइट सभी वर्जन के लिए रखे हुए थे तो सन टीवी की सभी वर्जन की चैनल यानी कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन की, की चैनल के ऊपर अपने अपने जो वर्जन है जैसे कि तमिल मेन वर्जन तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन वहां पे फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन के सेटेलाइट राइट्स से है गोलमाइंस के पास तो ये फिल्म आपको हिंदी वर्जन में गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी अब सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के साउथ इंडियन वर्जन के जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किए हुए तो सन आ, सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के साथ साथ ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ साथ तेलुगू कन्नड़ा मलयालम डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स गोलमाइंस वाले के पास थे उन्होंने नेटफ्लिक्स वालों के राइट्स बेच दिए तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी वर्जन में विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी अब टेलीविजन प्रीमियर गोल करवा रहा है तो अब उसके पास यूट्यूब राइट्स है या नहीं वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है अगर गोल के पास इस फिल्म के यूट्यूब राइट्स है तो टेलीविजन प्रीमियर के लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको यूट्यूब पर गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी तो इस तरह से अन्नाथे फिल्म आप तमिल तेलुगु, कन्नडा और मलयालम और साथ ही में हिंदी वर्जन में इंजॉय कर पाओगे टेलीविजन और ओ के ऊपर अन्ना थे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है होता है बिग ब्रदर अन्नाथे दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे फैमिली एंटरटेनमेंट भी आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो शिवा ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया शिवा का था उसके ऊपर डायलॉग्स शिवा सवारी मुथ्ठू एंथनी भाग्यराज चंद्रन पच्चीमुथू ने लिखे हुए और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो की हुई है शिवा और आदि नारायणन ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी शिवा ने ही किया हुआ है और डिरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स है कालनिथि मारन जिन्होंने सन पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है पी पिक्चर्स और रेड जायंट मूवीज़ के द्वारा और इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में ही बनाया गया है इसके अलावा दूसरे सभी लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बात करें तो रजनीकांत आपको टाइटल किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अपोजिट है कीर्ति सुरेश उनकी बहन का रोल प्ले कर रही है नयन तारा उनके अपोजिट लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है खुशबू मीना जगपति बाबू प्रकाश राज सूरी अभिमन्यु सिंह बाला कल्पू लीला वेला रामामूर्ति लिविंगस्टन पांडिराजन सतीश सत्य, सत्यान रेड इन सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ज्योर्ज मारियन अरजय थवासी विशवंत श्रीजा रवि श्री रंजनी नादुल गोपाल रजिता पीराई सूडन रिकेश रवि अवाना मास्टर भावनाज अयप्पापी पी शर्मा और अंजलि नेर ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये लंबी सपोर्टिंग कास्ट है इसके अलावा लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है तो ये काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स है जिन्होंने सपोर्टिंग कास्ट लीड रोल प्ले किया हुआ है इतने एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क क्या हुआ है इस ने सिनेमेटोग्राफी बेटरी की देखने को मिलेगी जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोकेशन को उन्होंने इस फिल्म में दिखाया हुआ है फिल्म के जोनर को अच्छी तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ था एडिटिंग रूबेन ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको करीबन दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है डी ईमान ने डी ईमान ने क्रिएट किए हुए थे पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार था इस फिल्म का साउंड है जो गाने वो काफी ज्यादा है जहां पे इंस्ट्रूमेंटल वर्जन फीमेल वर्जन को मिलाकर टोटल दस गाने थे जिसका लेंथ था सैंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड वो भी डी ईमान ने ही कंपोज किया हुआ है अब हम इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया था यानी कि तेरह साल से अब सभी बड़े बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं। अब हम इस फिल्म के कास्टिंग में जो कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसकी एक जानकारी दे देते कलायन और अनाथे वाला किरदार है वो रजनीकांत ने प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश आपको थंगा मीनाक्षी के रोल में दिखाई देंगी जो कलैयान की सिस्टर है नयन तारा ने एडवोकेट पतमल यानी कि कलैन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है खुशबू ने अंग्ञान रन कन्नी का रोल प्ले किया हुआ है मीना ने माग्ञा कारसी मगाई का रोल प्ले किया हुआ है जगपति बाबू ने उद्धव पारेकर का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने नत्त दूराई का रोल प्ले किया हुआ है सूर्य ने पच्चकिल्ली का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने मनोज पारेकर उद्धव पारेकर के भाई और प्रॉपर्टी ग्रेबर का रोल प्ले किया हुआ है बाला ने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है जो मनोज का फ्रेंड है कुलूपुल्ले लीला ने कलयन की ग्रांड फादर ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है वेला रामा मूर्ति ने कलयन के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने इुलंडी यानी कि मा मगैर करसी के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है पांडे राजन ने इधिरंगी यानी कि अगय करसी के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने सत्यशीला यानी कि अगर कन्नी के ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने अगल दुराई यानी कि मगैर करसी का का रोल प्ले किया हुआ है तो ये कुछ इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जिसमें वो बखूबी काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे सभी को जो रोल दिया गया था उसमें काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे थे डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल लिखा हुआ था उसको बखूबी नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ था इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो वही रूटीन टिपिकल देखने को मिलेगा अगर आप रजनीकांत के बहुत बड़े फिल्म फैन फे, हो तो उनके लिए फिल्म जरूर देख पाओगे अदरवाइज न्यूट्रल ऑडियंस हो तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी नज़र आने वाली है स्क्रिप्टिंग का काम काफ़ी ढीला था डायलॉग ठीक ठाक थे डिरेक्शन एक उतना एग्जीक्यूशन वाला नहीं था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अलावा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी हाई है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी साथ ही में फ़िल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसकी जो सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था फिल्म का जो कलर टोन था वो बढ़िया था लाइटिंग अच्छी थी फिल्म का कैमरा वर्क इतना बेहतरीन था जिस वजह से जो एक्शन सिक्वेंस है जो फिल्म का अलग अलग लोकेशन है कैमरा मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था रजनीकांत का किरदार उन्होंने अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था एडिटिंग डिसेंट थी इस फिल्म की एडिटिंग में थोड़ी कटौती की जा सकती थी फिल्म को करीबन दस पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था था। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड काफी शानदार है सॉन्ग ठीक ठाक थे वहीं पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई था जिस वजह से आर्ट डायरेक्शन भी काफी परफेक्ट नजर आएगा, आएगा आपको डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो 2019 में इस फिल्म के ऊपर मीडिया ने रिपोर्ट क्लेम की हुई थी कि रजनीकांत और डायरेक्टर शिवा एक साथ फिल्म करने वाले दरबार के रिलीज़ के बाद उनकी ये फिल्म कंफर्म हुई जहां पे कलंक थी मारन ने ग्यारह अक्टूबर 2019 को बताया हुआ था कि सन पिक्चर्स एक प्रोजेक्ट करने वाले फ्लाई ओवर के नाम के साथ उसके बाद में ऑफिशियली सभी अनाउंसमेंट के बाद फिल्म का नाम और टाइटल्स फिक्स किया गया था जहाँ पर बताया गया था कि दरबार फिल्म के बाद इस फिल्म में रजनीकांत ने करोड़ रुपए सैलरी मांगी हुई थी लेकिन दरबार फिल्म के बाद उतनी इस वो सैलरी देने के लिए प्रोड्यूसर्स ने रिफ्यूज़ किया जिस वजह से बाद में काफ़ी सारी एग्रीमेंट के बाद इस फिल्म की सैलरी रजनीकांत जी की डिक्रीज की गई और उसके बाद में एक मीडियम मीडियम तो नहीं बोला जाएगा हाई बजट था तो रजनीकांत की सैलरी डिस्क्रीज करने के बाद फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया उसके बाद में अक्टूबर 2019 में कीर्ति सुरेश को एक पाइवटल रोल के लिए साइन किया गया उसके बाद में काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट है सभी को एक के बाद एक साइन किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ग्यारह दिसंबर दो को रखी गई थी तब रजनीकांत जी का बर्थडे आता है तब कास्ट और क्रिय जितने भी थे फिल्म के वो पूजा सेरेमी में शामिल थे वो चेन्नई में रखी गई थी स्थान टी के नेटवर्क के ऑफिशियल ऑफिस में इसके अलावा इसकी शूटिंग है वो अट्ठारह दिसंबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहां पे पहले गाने से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी फिल्म में खुशबू ने अपना पोर्शन कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग लोकेशन जैसे कि कर्नाटक के जंगल में और अलग अलग जगह पे फिल्म को शूट किया गया था इसके अलावा इस फिल्म को हैदराबाद में मोस्टली शूट किया गया था साथ ही में चेन्नई में कुछ जगह पर शूट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई थी उसके बाद में काफ़ी मुसीबतों के बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में को रजनीकांत जी को कोविड हो गए जिस वजह से 25 दिसंबर 2020 को उनको फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया था 27 दिसंबर को उनको डिस्चार्ज किया गया फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 को फिर से रिज्यूम किया गया था जहां पे 30 दिन का एक लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म के काफ़ी सारे सीन्स को तमिलनाडु में शूट किया गया था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को अप्रैल 2021 तक काफ़ी बड़े बड़े सीक्वेंस को कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद हैदराबाद में कुछ एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म को काफ़ी लंबे शेड्यूल के बाद अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था फिल्म के प्रोबॉस प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो मई महीने में काम स्टार्ट किया गया था दस मई दो को जहाँ पे रजनीकांत जी ने अपने डबिंग पोर्सन से फिल्म की शुरुआत की हुई थी उनके कुछ पेचवर्स बाकी थे उसके ऊपर काम किया गया था जुलाई दो तक काफ़ी सारे चीज़ों को काम कंप्लीट कर, करवा लिया गया फिल्म का फाइनल शेड्यूल था वो वहीं पे सेट किया गया था और इस फिल्म की जो पहली कॉपी वो सितंबर 2021 में कंप्लीट की गई थी जहां पे यूए सर्टिफिकेट फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से दिया गया था फिल्म का टोटल रन टाइम एक मिनट था जहां पे फिल्म का हाफ फर्स्ट हाफ तिरासी मिनट था दूसरा हाफ था वो अस्सी मिनट का था म्यूज़िक के ऊपर बात करें तो फिल्म का अन्ना थे फिल्म का जो साउंड ट्रेक है वो काफ़ी बड़ा है जहाँ पे उसको कंपोज़ किया हुआ है डी ईमान ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूजिक राइट सन पिक्चर्स के ही पास है जो फिल्म के प्रोड्यूसर है इस फिल्म को तमिल में ऑल ओरिजनली रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार के इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया था इस फिल्म के गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आप जरूर इन्जॉय कर पाओगे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो टाइटल ट्रैक अन्नाथे अनना थे जहाँ पर उसको गाया हुआ है एस बी बाला सुब्रमण्यम ने दूसरा गाना है सारा कात थे जिसको सिद्ध श्री राम श्रेया घोषाल ने गाया हुआ है तीसरा गाना मारुधानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए मनी अमूधवलन ने सिंगर थे डी मान वंदना श्रीवनीवास्तव और नकाश अजीज एंथनी दासन वासामी स्वामी वाला गाना है वो मुकेश मोहम्मद नोचीपत्थी तिरुमत् की कि, किला कर रही है ने गाया हुआ है यन्नदुरय का मेल वर्जन गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने वहीं पे फीमेल वर्जन है वो गाया हुआ है केस चित्रा ने ए फॉर थे वाला जो टाइटल रेखे वो रजनीकांत का वॉइस ओवर है और अरे वो ने उसको गाया हुआ है तो इस तरह से पाँच छः गाने जो मेन थे उसको गाया हुआ था वहीं पर थलाए राम पेज का थीम म्यूजिक है विलेज कुत्तू का थीम म्यूजिक है जो डी मा ने कम्पोज किया हुआ यन्नदूराय का जो इंस्ट्रूमेंटल है वो उसमें वोकल्स दिए हुए के पी कुमारन ने तो इस तरह से टोटल दस गाने थे फिल्म में जिसको ऊपर अगर, अगर अभी आपको सुनना है तो सन नेटवर्क के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब थिएट्रिकली रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को काफ़ी बड़े पैमाने पे रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को 25 अक्टूबर 2020 में दशहरे के मौके पर रिलीज़ किया गया था और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया सॉरी पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार को इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रिलीज़ करने वाले थे लेकिन सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया था मई मैं महीने में कि इस फिल्म का काम अभी बाकी है जिस वजह से ये फिल्म 14 जनवरी 2021 को आने वाली है लेकिन फिर से फिल्म कोविड 19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई बाद में फिल्म को चार नवंबर दो को दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग ले गई फिर भले ही फिल्म का कंटेंट उतना अच्छा नहीं था लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया इस फिल्म को लेकिन रजनीकांत जी के काफी सारे फैंस है जिसकी बदौलत यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी जहां पे आई पे फिल्म को सिर्फ चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे करीबन छियानवे सौ वोट किए गए दस हज़ार वोट किए गए करीब आसपास तो रेटिंग काफी ज्यादा एवरेज है एवरे लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी जिसका मेन रीजन थे रजनीकांत जी अदरवाइज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना नहीं चल पाती इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफी मजबूत थे जिस वजह से सभी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ने काफ़ी अच्छी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी जहाँ पे फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ था फिल्म को सिर्फ तमिल और तेलुगू वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन में नहीं किया गया था हिंदी वर्जन में डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज़ किया गया था तो अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के होम मीडिया के ऊपर तो सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के नॉन थेटिकली राइट्स टेलीविज़न और ओ दोनों खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ था सन टीवी वालों ने तमिल वर्जन के साथ साथ कन्नडा तेलुगु मलयालम वर्जन में इस फिल्म को डब किया गया था और साथ ही हिंदी वर्जन के राइट्स भी डब किए गए थे लेकिन हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस वालों ने तो सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के राइट्स को अपने पास रखते हुए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप करते हुए इस फिल्म की डिजिटल रिलीज़ करवाई हुई थी जहां पे 25 नवंबर 2021 को यानी कि थिएटरकल रिलीज़ के 22 दिनों के बाद ये फ़िल्म सन नेक्स्ट के ऊपर और नेटफ्लिक्स के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्ज़न में ये फिल्म अवेलेबल करवा दी गई थी हिंदी वर्ज़न थोड़ा लेट प्रीमियर करवाया गया था तो अब हम बात कर ले कहाँ पर ये फिल्म किस तरह से देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो सन पिक्चर्स के पास इसके राइट से इसका मतलब ये फिल्म आपको सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर यानी कि सन नेटवर्क के जितने भी जो तेलुगू कन्नडा तमिल और मलयालम वर्जन की चैनल है उसके ऊपर बिल्कुल फ्री में ये फिल्म अन्नाथे के नाम से देखने को मिलेगी जहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है जैसे कि अन्नाथे पेडन्ना इस तरह से अलग अलग नाम के साथ ये फिल्म अपने रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में देखने को मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ की तो सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स वालों ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए फिल्म का टाइप किया हुआ था तो फिल्म के तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम वर्जन विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब टाइटल नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन के राइट्स थे गोल माइंस के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन सब कंप्लीट करवा दिया गया था उन्होंने भी इस फिल्म के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को भी अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म का जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास है इसके अलावा टेलीविजन राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने अपने पास रखे हुए उन्होंने इस फिल्म को गोलमाइंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न में आपको गोलमाइस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने उन्होंने बेच दिए अब पता नहीं कि उन्होंने यूट्यूब राइट्स रखे या नहीं अलग से लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी रखे हुए हैं तो ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम के साथ हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पर गोलमाइस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न पर देखने को मिलेगी अदरवाइज अगर यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो टेलीविजन प्रीमियर के कुछ लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल सकती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के टेलीविजन राइट सभी वर्जन के लिए रखे हुए थे तो सन टीवी की सभी वर्जन की चैनल यानी कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन की, की चैनल के ऊपर अपने अपने जो वर्जन है जैसे कि तमिल मे मेन वर्जन तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन वहां पे फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन के सैटेलाइट राइट्स है गोलमाइंस के पास तो ये फिल्म आपको हिंदी वर्जन में गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी अब सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के साउथ इंडियन वर्जन के जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किए हुए तो सन सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ साथ ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ साथ तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स गोलमाइंस वाले के पास थे उन्होंने नेटफ्लिक्स वालों के राइट्स बेच दिए तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी वर्जन में विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी अब टेलीविजन प्रीमियर गोलमाइंस करवा रहा है तो अब उसके पास यूट्यूब राइट्स है या नहीं वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है अगर गोलमाइंस के पास इस फिल्म की यूट्यूब राइट्स है तो टेलीविजन प्रीमियर के लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको यूट्यूब पर गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी तो इस तरह से अन्नाथे फिल्म आप तमिल तेलुगू कन्नडा और मलयालम और साथ ही में हिंदी वर्जन में इंजॉय कर पाओगे टेलीविजन और ओ के ऊपर अन्नाथे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है होता है बिग ब्रदर अन्नाथे दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे फैमिली एंटरटेनमेंट भी आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो शिवा ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया शिवा का था उसके ऊपर डायलॉग्स शिवा सवारी मुथ्थु एंथनी भाग्यराज चंद्रन पच्चीमुत्तू ने लिखे हुए और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो की हुई है शिवा और आदि नारायणन ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी शिवा ने ही किया हुआ है और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स है कालनिथि मारन जिन्होंने सन पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है पी पिक्चर्स और रेड जाएंट मूवीज़ के द्वारा और इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में ही बनाया गया है इसके अलावा दूसरे सभी लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बात करें तो रजनीकांत आपको टाइटल किरदार प्ले करते हुए नज़र आएंगे इनके अपोजिट है कीर्ति सुरेश उनकी बहन का रोल प्ले कर रही है नयनतारा उनके अपोजिट लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है खुशबू मीना जगपति बाबू राज सूरी अभिमन्यु सिंह बाला कलप्पू लीला वेला रामामूर्ति लिविंगस्टन पांडिराजन सतीश सत्यान रेडिन किंग्स ले सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ज्योज मारियन अरजय थवासी विशवंत श्रीजा रवि श्री रंजनी नादुल गोपाल रजिता पीराई सूडन रिकेश रवि अवाना मास्टर भावनाज अयपापी शर्मा और अंजलि नेर ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये लंबी सपोर्टिंग कास्ट है इसके अलावा लीड कास्ट भी काफी लंबी है तो ये काफी बड़े बड़े एक्टर्स है जिन्होंने सपोर्टिंग कास्ट लीड रोल प्ले किया हुआ है इतने एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क क्या हुआ है इस बेटरी ने सिनेमेटोग्राफी बेटरी की देखने को मिलेगी जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोकेशन को उन्होंने इस फिल्म में दिखाया हुआ है फिल्म के जोनर को अच्छी तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ था एडिटिंग रूबिन ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको करीबन दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है डी ईमान ने डी ईमान ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए थे जहां पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार था इस फिल्म का साउंड है जो गाने वो काफी ज्यादा है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल वर्जन फीमेल वर्जन को मिला टोटल दस गाने थे जिसका लेंथ था सैंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड वो भी डी ईमान ने ही कंपोज किया हुआ है अब हम इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था यानी कि तेरह साल से सभी बड़े बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं अब हम इस फिल्म की कास्टिंग में जो कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसकी एक जानकारी दे देते कलायन और अनाथे वाला किरदार है वो रजनीकांत ने प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश आपको थंगा मीनाक्षी के रोल में दिखाई देंगी जो कलैयान की सिस्टर है नयन तारा ने एडवोकेट पतमल यानी कि कलैन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है खुशबू ने अंग्ञान कन्नी का रोल प्ले किया हुआ है मीना ने माग्या कारसी मगाई का रोल प्ले किया हुआ है जगपति बाबू ने उद्धव पारेकर का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने नत्त दूराई का रोल प्ले किया हुआ है सूर्य ने पच्च का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने मनोज पारेकर उद्धव पारेकर के भाई और

का रोल प्ले किया हुआ है तो ये कुछ इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जिसमें वो बखूबी काफी शानदार नजर आ रहे थे सभी को जो रोल दिया गया था उसमें काफी बेहतर नजर आ रहे थे डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल लिखा हुआ था उसको बखूबी नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ था इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो वही रूटीन टिपिकल देखने को मिलेगा अगर आप रजनीकांत के बहुत बड़े फिल्म फैन हो तो उनके लिए फिल्म ज़रूर देख पाओगे अदरवाइज़ न्यूट्रल ऑडियंस हो तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी नज़र आने वाली है स्क्रिप्टिंग का काम काफ़ी ढीला था डायलॉग ठीक ठाक थे डिरेक्शन एक उतना एग्जीक्यूशन वाला नहीं था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अलावा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी हाई है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी साथ ही में फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसकी जो सीनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था फिल्म का जो कलर टोन था वो बढ़िया था लाइटिंग अच्छी थी फिल्म का कैमरा वर्क इतना बेहतरीन था जिस वजह से जो एक्शन सी है जो फिल्म का अलग अलग लोकेशन है कैमरा मैन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था रजनीकांत का किरदार उन्होंने अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था एडिटिंग डिसेंट थी इस फिल्म की एडिटिंग में थोड़ी कटौती की जा सकती थी फिल्म को करीबन दस पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार है सॉन्ग ठीक ठाक थे वहीं पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन uh, वैल्यू है वो काफ़ी हाई था जिस वजह से आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी परफेक्ट नजर आएगा आपको डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो 2019 में इस फिल्म के ऊपर मीडिया ने रिपोर्ट क्लेम की हुई थी कि रजनीकांत और डायरेक्टर शिवा एक साथ फिल्म करने वाले दरबार के रिलीज़ के बाद उनकी ये फिल्म कन्फर्म हुई जहाँ पर कलन थी मारन ने ग्यारह अक्टूबर दो को बताया हुआ था कि सन पिक्चर्स एक प्रोजेक्ट करने वाले थ्लाई ओवर के नाम के साथ उसके बाद में ऑफिशियली सभी अनाउंसमेंट के बाद फिल्म का नाम और टाइटल्स फिक्स किया गया जहां पे बताया गया था कि दरबार फिल्म के बाद इस फिल्म में रजनीकांत ने एक 118 करोड़ रुपए सैलरी मांगी हुई थी लेकिन दरबार फिल्म के बाद उतनी से वो सैलरी देने के लिए प्रोड्यूसर्स ने रिफ्यूज किया जिस वजह से बाद में काफी सारी एग्रीमेंट के बाद इस फिल्म की सैलरी रजनीकांत जी की डिक्रीज की गई और उसके बाद में एक मीडियम मीडियम तो नहीं बोला जाएगा हाई बजट था तो रजनीकांत की सैलरी डिस्क्रीज करने के बाद फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया उसके बाद में अक्टूबर 2019 में कीर्ति सुरेश को एक पावटल रोल के लिए साइन किया गया उसके बाद में काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट है सभी को एक के बाद एक साइन किया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ग्यारह दिसंबर दो को रखी गई थी तब रजनीकांत जी का बर्थडे आता है तब कास्ट और क्रियो जितने भी थे फिल्म के वो पूजा से शामिल थे वो चेन्नई में रखी गई थी सन टी के नेटवर्क के ऑफिशियल ऑफिस में इसके अलावा इसकी शूटिंग है वो अट्ठारह दिसंबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहां पे पहले गाने से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी फिल्म में खुशबू ने अपना पोर्शन कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग लोकेशन जैसे कि कर्नाटक के जंगल में और अलग अलग जगह पे फिल्म को शूट किया गया था इसके अलावा इस फिल्म को हैदराबाद में मोस्टली शूट किया गया था साथ ही में चेन्नई में कुछ जगह पर शूट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई थी उसके बाद में काफ़ी मुसीबतों के बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में को रजनीकांत जी को कोविड हो गया जिस वजह से 25 दिसंबर 2020 को उनको फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया था 27 दिसंबर को उनको डिस्चार्ज किया गया फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 को फिर से रिज्यूम किया गया था जहाँ पे 30 दिन का एक लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म के काफ़ी सारे सीन्स को तमिलनाडु में शूट किया गया था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को अप्रैल 2021 तक काफ़ी बड़े बड़े सीक्वेंस को कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद हैदराबाद में कुछ एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म को काफ़ी लंबे शेड्यूल के बाद अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था फिल्म के प्रोबॉस प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो मई महीने में काम स्टार्ट किया गया था दस मई दो को जहाँ पे रजनीकांत जी ने अपने डबिंग पोर्सन से फिल्म की शुरुआत की हुई थी उनके कुछ बस बाकी थे उसके ऊपर काम किया गया था जुलाई 2021 तक काफ़ी सारे चीज़ों को काम कर कम्प्लीट करवा लिया गया फिल्म का फाइनल शेड्यूल था वो वहीं पे सेट किया गया था और इस फिल्म की जो पहली कॉपी वो सितंबर 2021 में कम्प्लीट की गई थी जहां पे यूए सर्टिफिकेट फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से दिया गया था फिल्म का टोटल रन टाइम एक मिनट था जहाँ पर फिल्म का हाफ फर्स्ट हाफ तिरासी मिनट था दूसरा हाफ था वो अस्सी मिनट का था म्यूजिक के ऊपर बात करें तो फिल्म का अन्नाथ है फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो काफ़ी बड़ा है जहाँ पे उसको कंपोज़ किया हुआ है डी ईमान ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूजिक राइट सन पिक्चर्स के ही पास है जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म को तमिल में ओरिजिनली ऑरिजिनली रिकॉर्ड किया गया था दो हजार से दो के बीच में पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार के इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया था इस फिल्म के गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया गया था जहाँ पर आप जरूर इंजॉय कर पाओगे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो टाइटल ट्रैक अन्नाथे अन्ना थे जहाँ पे उसको गाया हुआ है एस बी बाला सुब्रमण्यम ने दूसरा गाना है सारा काथे जिसको सिद्ध श्री राम श्रेया घोषाल ने गाया हुआ है तीसरा गाना मारुधानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए मनी अमूल धवलन ने सिंगर थे डी इमान वंदना श्रीनिवास्तव और नकाश अजीज एंथनी दासन वाह स्वामी वाला गाना है वो मुकेश मोहम्मद नोचीपत्थी तिरुमथी किला कर रही है ने गाया हुआ है यन्नदुरय का मेल वर्जन गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने वहीं पे फीमेल वर्जन है वो गाया हुआ है के एस चित्रा ने ए फॉर थे वाला जो टाइटल रेखे वो रजनीकांत का वॉइस ओवर है और अरे ओ ने उसको गाया हुआ है तो इस तरह से पांच छह गाने जो मेन थे उसको गाया हुआ था वहीं पर थलाए राम पेज का थीम म्यूजिक है विलेज कुत्तू का थीम म्यूजिक है जो डी माँ ने ही कम्पोज किया हुआ है यन्नदूराई का जो इंस्ट्रूमेंटल है वो उसमें वोकल्स दिए हुए के पी कुमारन ने तो इस तरह से टोटल दस गाने थे फिल्म में जिसको ऊपर अगर अभी आपको सुनना है तो सन नेटवर्क के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब थिएट्रिकली रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को काफी बड़े पैमाने पर पे रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को 25 अक्टूबर 2020 में दशहरे के मौके पर रिलीज किया गया था और जब फिल्म को रिलीज किया गया तो सॉरी पच्चीस अक्टूबर 2020 को इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रिलीज़ करने वाले थे लेकिन सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया था मई मैं महीने में कि इस फिल्म का काम अभी बाकी है जिस वजह से ये फिल्म 14 जनवरी 2021 को आने वाली है लेकिन फिर से फिल्म कोविड 19 की वजह से पोस्टपोन हो गई बाद में फिल्म को चार नवंबर दो को दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग ले गई फिर भले ही फिल्म का कंटेंट उतना अच्छा नहीं था लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया फिल्म को लेकिन रजनीकांत जी के काफ़ी सारे फैंस है जिसकी बदौलत ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जहाँ पे आई पे फिल्म को सिर्फ चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे करीबन छियानवे वोट किए गए दस वोट किए गए करीब आसपास तो रेटिंग काफ़ी ज्यादा एवरेज है लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर गई थी जिसका मेन रीज़न थे रजनीकांत जी अदरवाइज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना नहीं चल पाती इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफ़ी मजबूत थे जिस वजह से सभी वर्जनस के लिए डिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर ने काफी अच्छी स्क्रीन दिलवाई हुई थी जहाँ पे फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ था फिल्म को सिर्फ तमिल और तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन में नहीं किया गया था हिंदी वर्जन में डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज किया गया था तो अब हम बात कर लेते फिल्म के होम मीडिया के ऊपर तो सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के नॉन थिएटिकली राइट्स टेलीविज़न और ओ दोनों खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किया हुआ था सन टीवी वालों ने तमिल वर्जन के साथ साथ कन्नडा तेलुगु मलयालम वर्जन में इस फिल्म को डब किया गया था और साथ ही में हिंदी वर्जन के राइट्स भी डब किए गए थे लेकिन हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस वालों ने तो सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के राइट्स को अपने पास रखते हुए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप करते हुए इस फिल्म की डिजिटल रिलीज़ करवाई हुई थी जहां पे 25 नवंबर 2021 को यानी कि थिएटरिकल रिलीज़ के 22 दिनों के बाद ये फ़िल्म सन नेक्स्ट के ऊपर और नेटफ्लिक्स के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्ज़न में ये फिल्म अवेलेबल करवा दी गई थी हिंदी वर्जन थोड़ा लेट प्रीमियर करवाया गया था तो अब हम बात कर ले कहाँ पर ये फिल्म किस तरह से देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो सन पिक्चर्स के पास इसके राइट्स है इसका मतलब ये फिल्म आपको सन टीवी के टेलीविज़न चैनल के ऊपर यानी कि सन नेटवर्क के जितने भी जो तेलुगु कन्नड़ा तमिल और मलयालम वर्जन की चैनल है उसके ऊपर बिल्कुल फ्री में ये फिल्म अन्नाथे के नाम से देखने को मिलेगी जहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है जैसे कि अन्नाथे पेडन्ना इस तरह से अलग अलग नाम के साथ ये फिल्म अपने रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में देखने को मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ की तो सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स वालों ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए फिल्म का टाइप किया हुआ था तो फिल्म के तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम वर्जन विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन के राइट्स थे गोलमाइंस के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन सब कंप्लीट करवा दिया गया था उन्होंने भी इस फिल्म के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को भी अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म का जो ओ टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास है इसके अलावा टेलीविज़न राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने अपने पास रखे हुए हैं उन्होंने इस फिल्म को गोलमाइंस के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न में आपको गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने उन्होंने बेच दिए अब पता नहीं कि उन्होंने यूट्यूब राइट्स रखे या नहीं अलग से लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी रखे हुए हैं तो ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम के साथ हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पे गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न पर देखने को मिलेगी अदरवाइज़ अगर यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के पास है तो टेलीविज़न प्रीमियर के कुछ लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल सकती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन पिक्चर्स वालों ने

तो सन सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ साथ ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ साथ तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स गोलमाइंस वाले के पास थे उन्होंने नेटफ्लिक्स वालों के राइट्स बेच दिए तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी वर्जन में विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी अब टेलीविजन प्रीमियर गोल करवा रहा है तो अब उसके पास यूट्यूब राइट्स है या नहीं वो अभी तक डिसक्लोज नहीं हुआ है अगर गोलमाइंस के पास इस फिल्म के यूट्यूब राइट्स है तो टेलीविजन प्रीमियर के लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी तो इस तरह से अन्नाथे फिल्म आप तमिल तेलुगु, कन्नडा और मलयालम और साथ ही में हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे टेलीविजन और ओ के ऊपर अन्ना थे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है होता है बिग ब्रदर अन्ना थे की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे फैमिली एंटरटेनमेंट भी आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो शिवा ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया शिवा का था उसके ऊपर डायलॉग शिवा सवारी मुत्थू एंतनी भाग्यराज चंद्रन पच्ची ने लिखे हुए और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो की हुई है शिवा और आदि नारायणन ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी शिवा ने ही किया हुआ है और डरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स है कालनिथि मारन जिन्होंने सन पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है पी पिक्चर्स और रेड जाएंट मूवीज़ के द्वारा और इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में ही बनाया गया है इसके अलावा दूसरे सभी लैंग्वेज़ में फ़िल्म को डब किया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बात करें तो रजनीकांत आपको टाइटल किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अपोजिट है कीर्ति सुरेश उनकी बहन का रोल प्ले कर रही है नयनतारा उनके अपोजिट लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है खुशबू मीना जगपति बाबू प्रकाश राज सूरी अभिमन्यु सिंह बाला कलप्पू लीला वेला रामामूर्ति लिविंगस्टन पांडिराजन सतीश सत्यान रेड इन सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे जियोज मारियन अरजा थवासी विश्वंत श्रीजा रवि श्री रंजनी नादुल गोपाल रजिता पीराई सूडन रिकेश रवि अवाना मास्टर भावनाज अयप्पापी शर्मा और अंजलि नेर ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये लंबी सपोर्टिंग कास्ट है इसके अलावा लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है तो ये काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स है जिन्होंने सपोर्टिंग कास्ट लीड रोल प्ले किया हुआ है इतने एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क क्या हुआ है इस बेटरी ने सिनेमेटोग्राफी बैटरी की देखने को मिलेगी जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोकेशन को उन्होंने इस फिल्म में दिखाया हुआ है फिल्म के जोनर को अच्छी तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ था एडिटिंग रूबेन ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको करीबन दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है डी ईमान ने डी ईमान ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए थे जहां पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार था इस फिल्म का साउंड है जो गाने वो काफी ज्यादा है जहां पे इंस्ट्रूमेंटल वर्जन फीमेल वर्जन को मिलाकर टोटल दस गाने थे जिसका लेंथ था सैंतीस मिनट सत्ताइस सेकंड वो भी डी ईमान ने ही कंपोज किया हुआ है अब हम इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था यानी कि तेरह साल से सभी बड़े बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं अब हम इस फिल्म के कास्टिंग में जो कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसकी एक जानकारी दे देते कलायन और अनाथे वाला किरदार है वो रजनीकांत ने प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश आपको थंगा मीनाक्षी के रोल में दिखाई देंगी जो कलैन की सिस्टर है नयन तारा ने एडवोकेट पतमल यानी कि कलैन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है खुशबू ने अंग्ञान रन कन्नी का रोल प्ले किया हुआ है मीना ने माग्यासी मगाई का रोल प्ले किया हुआ है जगपति बाबू ने उद्धव पारेकर का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने नत्त दूराई का रोल प्ले किया हुआ है सूर्य ने पच्च का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने मनोज पारेकर उद्धव पारेकर के भाई और प्रॉपर्टी ग्रेबर का रोल प्ले किया हुआ है बाला ने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है जो मनोज का फ्रेंड है कुलुपुल्ली लीला ने कलयन की ग्रांड फादर ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है वेला रामा मूर्ति ने कलयन के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने इुलंडी यानी कि मा मगैर कर्सी के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है पांडे राजन ने इधिरंगी यानी कि अगय करसी के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने सत्यशीलान यानी कि अगर कन्नी के ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने अगल दुराई यानी कि मगैर कारसिका का का रोल प्ले किया हुआ है तो ये कुछ इस फिल्म के इम्पोर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जिसमें वो बखूबी काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे सभी को जो रोल दिया गया था उसमें काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे थे डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल लिखा हुआ था उसको बखूबी नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ था इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो वही रूटीन टिपिकल देखने को मिलेगा अगर आप रजनीकांत के बहुत बड़े फिल्म फैन फे, हो तो उनके लिए ये फिल्म जरूर देख पाओगे अदरवाइज न्यूट्रल ऑडियंस हो तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी नज़र आने वाली है स्क्रिप्टिंग का काम काफ़ी ढीला था डायलॉग ठीक ठाक थे डिरेक्शन एक उतना एग्जीक्यूशन वाला नहीं था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अलावा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी हाई है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी साथ ही में फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसकी जो सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था फिल्म का जो कलर टोन था वो बढ़िया था लाइटिंग अच्छी थी फिल्म का कैमरा वर्क इतना बेहतरीन था जिस वजह से जो एक्शन सिक्वेंस है जो फिल्म का अलग अलग लोकेशन है कैमरा मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था रजनीकांत का किरदार उन्होंने अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था एडिटिंग डिसेंट थी इस फिल्म की एडिटिंग में थोड़ी कटौती की जा सकती थी फिल्म को करीबन दस पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था था। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार है सॉन्ग ठीक ठाक थे वहीं पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन uh, वैल्यू है वो काफ़ी हाई था जिस वजह से आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी परफेक्ट नज़र आएगा आपको डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो 2019 में इस फिल्म के ऊपर मीडिया ने रिपोर्ट क्लेम की हुई थी कि रजनीकांत और डायरेक्टर शिवा एक साथ फिल्म करने वाले दरबार के रिलीज़ के बाद उनकी ये फिल्म कन्फर्म हुई जहाँ पर कलन थी मारन ने ग्यारह अक्टूबर दो को बताया हुआ था कि सन पिक्चर्स एक प्रोजेक्ट करने वाले थलाई ओवर के नाम के साथ उसके बाद में ऑफिशियली सभी अनाउंसमेंट के बाद फिल्म का नाम और टाइटल्स फिक्स किया गया था जहाँ पे बताया गया था कि दरबार फिल्म के बाद इस फिल्म में रजनीकांत ने एक सौ अट्ठारह करोड़ रुपए सैलरी मांगी हुई थी लेकिन दरबार फिल्म के बाद उतनी वो सैलरी देने के लिए प्रोड्यूसर्स ने रिफ्यूज़ किया जिस वजह से बाद में काफ़ी सारी एग्रीमेंट के बाद इस फिल्म की सैलरी रजनीकांत जी की डिक्रीज़ की गई और उसके बाद में एक मीडियम मीडियम तो नहीं बोला जाएगा हाई बजट था तो रजनीकांत की सैलरी डिक्रीज करने के बाद फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया उसके बाद में अक्टूबर 2019 में कीर्ति सुरेश को एक पाइवटल रोल के लिए साइन किया गया उसके बाद में काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट है सभी को एक के बाद एक साइन किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ग्यारह दिसंबर दो को रखी गई थी तब रजनीकांत जी का बर्थडे आता है तब कास्ट और क्र्यू जितने भी थे फिल्म के वो पूजा से में शामिल में थे वो चेन्नई में रखी गई थी सन टीवी के नेटवर्क के ऑफिशियल पेट ऑफिस में इसके अलावा इसकी शूटिंग है वो अट्ठारह दिसंबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे पहले गाने से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी फिल्म में खुशबू ने अपना पोर्शन कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग लोकेशन जैसे कि कर्नाटक के जंगल में और अलग अलग जगह पे फिल्म को शूट किया गया था इसके अलावा इस फिल्म को हैदराबाद में मोस्टली शूट किया गया था साथ ही में चेन्नई में कुछ जगह पर शूट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई थी उसके बाद में काफ़ी मुसीबतों के बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में को रजनीकांत जी को कोविड हो गए जिस वजह से 25 दिसंबर 2020 को उनको फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया था 27 दिसंबर को उनको डिस्चार्ज किया गया फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 को फिर से रिज्यूम किया गया था जहां पे 30 दिन का एक लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म के काफ़ी सारे सीन्स को तमिलनाडु में शूट किया गया था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को अप्रैल दो तक काफ़ी बड़े बड़े सिकवेंस को कम्प्लीट करवा लिया गया था उसके बाद हैदराबाद में कुछ एक्शन सिकवेंस को शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म को काफ़ी लंबे शेड्यूल के बाद अप्रैल दो तक पूरी तरह से कम्प्लीट करवा लिया गया था फिल्म के प्रोबॉस प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो मई महीने में काम स्टार्ट किया गया था दस मई दो को जहाँ पे रजनीकांत जी ने अपने डबिंग पोर्सन से फिल्म की शुरुआत की हुई थी उनके कुछ पेचवर्स बाकी थे उसके ऊपर काम किया गया था जुलाई 2021 तक काफ़ी सारे चीज़ों को काम कंप्लीट कर, करवा लिया गया फिल्म का फाइनल शेड्यूल था वो वहीं पे सेट किया गया था और इस फिल्म की जो पहली कॉपी वो सितंबर 2021 में कंप्लीट की गई थी जहां पे यूए सर्टिफिकेट फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से दिया गया था फिल्म का टोटल रन टाइम एक मिनट था जहां पे फिल्म का हाफ फर्स्ट हाफ तिरासी मिनट था दूसरा हाफ था वो अस्सी मिनट का था म्यूज़िक के ऊपर बात करें तो फिल्म का अन्नाथ है फिल्म का जो साउंड ट्रेक है वो काफ़ी बड़ा है जहाँ पे उसको कंपोज़ किया हुआ है डी ईमान ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूजिक राइट सन पिक्चर्स के ही पास है जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म को तमिल में ओरिजिनली रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार के इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया था इस फिल्म के गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो टाइटल ट्रेक अन्नाथे अन्नाथे जहाँ पे उसको गाया हुआ है एस बी बाला सुब्रमण्यम ने दूसरा गाना है सारा का जिसको सिद्ध श्री राम श्री आघोसाल ने गाया हुआ है तीसरा गाना मारुधानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए मनी अमूर्धवलन ने सिंगर थे डी यमान वंदना श्रीवनीवास्तव और नकास अजीज एंथनी दासन वहा स्वामी वाला गाना है वो मुकेश मोहम्मद नोचीपथी तिरुमति कि, किला कर रही है समुसुदीन ने गाया हुआ है यन्नदुरय का मेल वर्जन गाया हुआ है सिद्ध श्री राम ने वहीं पे फीमेल वर्जन है वो गाया हुआ है केस जित रा ने ए फॉर थे वाले जो टाइटल रेखे वो रजनीकांत का वॉइस ओवर है और अरे वो ने उसको गाया हुआ है तो इस तरह से पाँच छः गाने जो मेन थे उसको गाया हुआ था वहीं पर थलाई व राम पेज का थीम म्यूजिक है विलेज कुत्तु का थीम म्यूजिक है जो डी माने कम्पोज किया हुआ है यन्नदूराय का जो इंस्ट्रूमेंटल है वो उसमें वोकल्स दिए हुए के पी कुमारन ने तो इस तरह से टोटल दस गाने थे फिल्म में जिसको ऊपर अगर अभी आपको सुनना है तो सन नेटवर्क के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब थिएट्रिकली रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को काफ़ी बड़े पैमाने पर पे रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को पच्चीस अक्टूबर दो में दशहरे के मौके पर रिलीज़ किया गया था और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया सॉरी पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार को इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रिलीज़ करने वाले थे लेकिन सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया था मई मैं महीने में कि इस फिल्म का काम अभी बाकी है जिस वजह से ये फिल्म 14 जनवरी 2021 को आने वाली है लेकिन फिर से फिल्म कोविड 19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई बाद में फिल्म को चार नवंबर दो को दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग ले गई फिर भले फिल्म का कंटेंट उतना अच्छा नहीं था लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया इस फिल्म को लेकिन रजनीकांत जी के काफी सारे फैंस है जिसकी ये फिल्म पे हिट साबित हुई थी आई पे पे फिल्म को सिर्फ चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से छियानो सौ वोट किए गए करीब आसपास तो रेटिंग काफी ज्यादा एवरेज है लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर गई थी जिसका मेन रीजन थे रजनीकांत जी अदरवाइज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना नहीं चल पाती इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफी मजबूत थे जिस वजह से सभी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट ने काफी अच्छी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी जहाँ पे फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ था फिल्म को सिर्फ तमिल और तेलुगू वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन में नहीं किया गया था हिंदी वर्जन में डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज़ किया गया था तो अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के होम मीडिया के ऊपर तो सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के नॉन थिएटिकली राइट्स टेलीविज़न और ओटीटी दोनों खरीदे हुए थे जहां पे उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किया हुआ था सन टीवी वालों ने तमिल वर्जन के साथ साथ कन्नडा तेलुगु मलयालम वर्जन में इस फिल्म को डब किया गया था और साथ ही में हिंदी वर्जन के राइट्स भी डब किए गए थे लेकिन हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे गोल वालों ने तो सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के राइट्स को अपने पास रखते हुए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप करते हुए इस फिल्म की डिजिटल रिलीज़ करवाई हुई थी जहां पे 25 नवंबर 2021 को यानी कि थिएट्रिकल रिलीज़ के 22 दिनों के बाद ये फ़िल्म सन नेक्स्ट के ऊपर और नेटफ्लिक्स के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्ज़न में ये फिल्म अवेलेबल करवा दी गई थी हिंदी वर्ज़न थोड़ा लेट प्रीमियर करवाया गया था तो अब हम बात कर ले कहाँ पर ये फिल्म किस तरह से देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो सन पिक्चर्स के पास इसके राइट से इसका मतलब ये फिल्म आपको सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर यानी कि सन नेटवर्क के जितने भी जो तेलुगु कन्नडा तमिल और मलयालम वर्जन की चैनल है उसके ऊपर बिल्कुल फ्री में ये फिल्म अन्नाथे के नाम से देखने को मिलेगी जहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है जैसे कि अन्नाथे पेडन्ना इस तरह से अलग अलग नाम के साथ ये फिल्म अपने रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में देखने को मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ की तो सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स वालों ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए फिल्म का टाइप किया हुआ था तो फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब टाइटल नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन के राइट्स थे गोल माइन्स के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन सब कंप्लीट करवा दिया गया था उन्होंने भी इस फिल्म के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को भी अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म का जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास है इसके अलावा टेलीविजन राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने अपने पास रखे हुए उन्होंने इस फिल्म को गोलमाइंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न में आपको गोलमैंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने उन्होंने बेच दिए अब पता नहीं कि उन्होंने यूट्यूब राइट्स रखे या नहीं अलग से लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी रखे हुए हैं तो ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम के साथ हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पर गोलमैस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न पर देखने को मिलेगी अदरवाइज अगर यूट्यूब के राइट्स गोल के ही पास है तो टेलीविजन प्रीमियर के कुछ लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल सकती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के टेलीविजन राइट सभी वर्जन के लिए रखे हुए थे तो सन टीवी की सभी वर्जन की चैनल यानी कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन की, की चैनल के ऊपर अपने अपने जो वर्जन है जैसे कि तमिल वे मेन वर्जन तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन वहां पे फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन के सैटेलाइट राइट्स है गोलमाइंस के पास तो ये फिल्म आपको हिंदी वर्जन में गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी अब सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के साउथ इंडियन वर्जन के जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किए हुए हैं तो सन आ, सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ साथ ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ साथ तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स गोलमाइंस वाले के पास थे उन्होंने नेटफ्लिक्स वालों के राइट्स बेच दिए तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी वर्जन में विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी अब टेलीविजन प्रीमियर गोलमाइंस करवा रहा है तो अब उसके पास यूट्यूब राइट्स है या नहीं वो अभी तक डिसक्लोज नहीं हुआ है अगर गोलमाइंस के पास इस फिल्म के यूट्यूब राइट्स है तो टेलीविजन प्रीमियर

इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो शिवा ने किया हुआ है स्टोरी आइडिया शिवा का था उसके ऊपर डायलॉग्स शिवा सवारी मुत्थु एंथनी भाग्यराज चंद्रन पच्ची ने लिखे हुए और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो की हुई है सिवा और आदि नारायणन ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी शिवा ने ही किया हुआ है और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स है कालनिथि मारन जिन्होंने सन पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को एक हाई बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है पी पिक्चर्स और रेड जाएंट मूवीज़ के द्वारा और इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में ही बनाया गया है इसके अलावा दूसरे सभी लैंग्वेज़ में फ़िल्म को डब किया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बात करें तो रजनीकांत आपको टाइटल किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे इनके अपोजिट है कीर्ति सुरेश उनकी बहन का रोल प्ले कर रही है नयनतारा उनके अपोजिट लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है खुशबू मीना जगपति बाबू प्रकाश राज सूरी अभिमन्यु सिंह बाला कलपू लीला वेला रामामूर्ति लिविंगस्टन पांडिराजन सतीश सत्यान रेडिन किंग्सले, सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ज्योर्ज मारियन अरजय थवासी विश्वंत श्रीजा रवि श्री रंजनी नादुल गोपाल रजिता पीराई सूडन रिकेश रवि अवाना मास्टर भावनाज अयप्पापी शर्मा और अंजलि नेर ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये लंबी सपोर्टिंग कास्ट है इसके अलावा लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है तो ये काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने सपोर्टिंग कास्ट लीड रोल प्ले किया हुआ है इतने एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क किया हुआ है बैटरी ने सिनेमेटोग्राफी बैटरी की देखने को मिलेगी जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोकेशन को उन्होंने इस फिल्म में दिखाया हुआ है फिल्म के जोनर को अच्छी तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ था एडिटिंग रूबेन ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको करीबन दो घंटे चालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है डी ईमान ने डी ई मान ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए थे जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी शानदार था इस फिल्म का साउंड रेखे जो गाने वो काफ़ी ज़्यादा है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल वर्जन फीमेल वर्जन को मिला का टोटल दस गाने थे जिसका लेंथ था सैंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड वो भी डी मान ने ही कंपोज किया हुआ है अब हम इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था यानी कि तेरह साल से सभी बड़े बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं अब हम इस फिल्म की कास्टिंग में जो कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसकी एक जानकारी दे देते कलयन और अनाथे वाला किरदार है वो रजनीकांत ने प्ले किया हुआ है कीर्ति सुरेश आपको थंगा मीनाक्षी के रोल में दिखाई देंगी जो कलैयान की सिस्टर है नयन तारा ने एडवोकेट पतमल यानी कि कलैन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है खुशबू ने अंग्ञान रन कन्नी का रोल प्ले किया हुआ है मीना ने माग्या कारसी मगाई का रोल प्ले किया हुआ है जगपति बाबू ने उद्धव पारेकर का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज ने नत्त दूराई का रोल प्ले किया हुआ है सूर्य ने पच्च का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने मनोज पारेकर उद्धव पारेकर के भाई और प्रॉपर्टी ग्रेबर का रोल प्ले किया हुआ है बाला ने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है जो मनोज का फ्रेंड है कुलुपुले लीला ने कलयन की ग्रैंडफादर फादर ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है वेला रामा मूर्ति ने कलयन के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है लिविंगस्टन ने इुली यानी कि माँ मगैर कर्सी के हस्बैंड का रोल प्ले, कि प्ले किया हुआ है पांडे राजन ने इदीरन तिंगी यानी कि अगय कर्सी के हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है सतीश ने सत्यशीलान यानी कि अगर कन्नी के ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने अगल दुराई यानी कि मगैर करसी का भाई का रोल प्ले किया हुआ है तो ये कुछ इस फिल्म के इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे जिसमें वो भी काफ़ी शानदार नजर आ रहे थे सभी को जो रोल दिया गया था उसमें काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे थे डायरेक्टर ने जिस तरह से जो रोल लिखा हुआ था उसको बखूबी नेचुरल वे में डिलीवर किया हुआ था इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो वही रूटीन टिपिकल देखने को मिलेगा अगर आप रजनीकांत के बहुत बड़े फिल्म फैन फे, हो तो उनके लिए फिल्म ज़रूर देख पाओगे अदरवाइज न्यूट्रल ऑडियंस हो तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी नज़र आने वाली है स्क्रिप्टिंग का काम काफ़ी ढीला था डायलॉग ठीक ठाक थे डिरेक्शन एक उतना एग्जीक्यूशन वाला नहीं था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अलावा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी हाई है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी साथ ही में फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसकी जो सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था फिल्म का जो कलर टोन था वो बढ़िया था लाइटिंग अच्छी थी फिल्म का कैमरा वर्क इतना बेहतरीन था जिस वजह से जो एक्शन सिक्वॉन्स है जो फिल्म का अलग अलग लोकेशन है कैमरा मैने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था रजनीकांत का किरदार उन्होंने अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था एडिटिंग डिसेंट थी इस फिल्म की एडिटिंग में थोड़ी कटौती की जा सकती थी फिल्म को करीबन दस पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार है सॉन्ग ठीक ठाक थे वहीं पे इस फिल्म का जो प्रोडक्शन uh, वैल्यू है वो काफ़ी हाई था जिस वजह से आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी परफेक्ट नजर आएगा आपको डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो 2019 में इस फिल्म के ऊपर मीडिया ने रिपोर्ट क्लेम की हुई थी कि रजनीकांत और डायरेक्टर शिवा एक साथ फिल्म करने वाले दरबार के रिलीज़ के बाद उनकी ये फिल्म कन्फर्म हुई जहाँ पर कलंक थी मारन ने ग्यारह अक्टूबर दो को बताया हुआ था कि सन पिक्चर्स एक प्रोजेक्ट करने वाले फ्लाई ओवर के नाम के साथ उसके बाद में ऑफिशियली सभी अनाउंसमेंट के बाद फिल्म का नाम और टाइटल्स फिक्स किया गया जहां पे बताया गया था कि दरबार फिल्म के बाद इस फिल्म में रजनीकांत ने एक करोड़ रुपए सैलरी मांगी हुई थी लेकिन दरबार फिल्म के बाद उतनी से वो सैलरी देने के लिए प्रोड्यूसर्स ने रिफ्यूज किया जिस वजह से बाद में काफी सारी एग्रीमेंट के बाद इस फिल्म की सैलरी रजनीकांत जी की डिक्रीज की गई और उसके बाद में एक मीडियम मीडियम तो नहीं बोला जाएगा हाई बजट था तो रजनीकांत की सैलरी डिस्क्रीज करने के बाद फिल्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया उसके बाद में अक्टूबर 2019 में कीर्ति सुरेश को एक पाइवल रोल के लिए साइन किया गया उसके बाद में काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट है सभी को एक के बाद एक साइन किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ग्यारह दिसंबर दो को रखी गई थी तब रजनीकांत जी का बर्थडे आता है तब कास्ट और क्रियो जितने भी थे फिल्म के वो पूजा से शामिल थे वो चेन्नई में रखी गई थी स्थान टी के नेटवर्क के ऑफिशियल ऑफिस में इसके अलावा इसकी शूटिंग है वो अट्ठारह दिसंबर दो में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्टार्ट की गई थी जहां पर पहले गाने से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी फिल्म में खुशबू ने अपना पोर्शन कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में फ़िल्म के अलग अलग लोकेशन जैसे कि कर्नाटक के जंगल में और अलग अलग जगह पे फिल्म को शूट किया गया था इसके अलावा इस फिल्म को हैदराबाद में मोस्टली शूट किया गया था साथ ही में चेन्नई में कुछ जगह पे शूट किया गया था बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई थी उसके बाद में काफ़ी मुसीबतों के बाद फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था उसके बाद में को रजनीकांत जी को कोविड हो गया जिस वजह से 25 दिसंबर 2020 को उनको फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया था 27 दिसंबर को उनको डिस्चार्ज किया गया फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 को फिर से रिज्यूम किया गया था जहां पे 30 दिन का एक लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म के काफ़ी सारे सीन्स को तमिलनाडु में शूट किया गया था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को अप्रैल 2021 तक काफ़ी बड़े बड़े सीक्वेंस को कंप्लीट करवा लिया गया था तो उसके बाद हैदराबाद में कुछ एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म को काफ़ी लंबे शेड्यूल के बाद अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था फिल्म के प्रोबॉस प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो मई महीने में काम स्टार्ट किया गया था दस मई दो को जहाँ पे रजनीकांत जी ने अपने डबिंग पोर्सन से फिल्म की शुरुआत की हुई थी उनके कुछ पेचवर्स बाकी थे उसके ऊपर काम किया गया था जुलाई दो तक काफ़ी सारे चीज़ों को काम कर, कम्प्लीट करवा लिया गया फिल्म का फाइनल शेड्यूल था वो वहीं पे सेट किया गया था और इस फिल्म की जो पहली कॉपी वो सितंबर 2021 में कंप्लीट की गई थी जहां पे यूए सर्टिफिकेट फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से दिया गया था फिल्म का टोटल रन टाइम एक मिनट था जहाँ पर फिल्म का हाफ फर्स्ट हाफ तिरासी मिनट था दूसरा हाफ था वो अस्सी मिनट का था म्यूज़िक के ऊपर बात करें तो फिल्म का अन्ना थे फिल्म का जो साउंड ट्रेक है वो काफ़ी बड़ा है जहाँ पे उसको कंपोज़ किया हुआ है डी ईमान ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूजिक राइट सन पिक्चर्स के ही पास है जो फिल्म के प्रोड्यूसर है इस फिल्म को तमिल में ओरिजिनली रिकॉर्ड किया गया था दो से दो के बीच में पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार के इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया था इस फिल्म के गानों को वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो टाइटल ट्रेक अन्नाथे अन्नाथे जहाँ पे उसको गाया हुआ एस बी बाला सुब्रमण्यम ने दूसरा गाना है सारा जिसको सिद्ध श्री राम श्रेया घोषाल ने गाया हुआ है तीसरा गाना मारुधानी जिसके लिरिक्स लिखे हुए मनी अमूर धवलन ने सिंगर थे डी यमान वंदना श्रीवनीवास्तव और नकाश अजीज एंथनी दासन वासामी वाला गाना है वो मुकेश मोहम्मद नोचीपत्थी तिरुमति की किला कर रही समुसुदीन वो गाया हुआ है रजनीकांत का वॉइस ओवर और अरे वो ने उसको गाया हुआ है तो इस तरह से पांच छह गाने जो मेन थे उसको गाया हुआ था वहीं पे थला ए राम पेज का थीम म्यूजिक है विलेज कुत्तू का थीम म्यूजिक है जो डी मान ने कंपोज किया हुआ है यन्न का जो इंस्ट्रूमेंटल है वो उसमें वोकल्स दिए हुए के पी कुमारन ने तो इस तरह से टोटल दस गाने थे फिल्म में जिसको अगर, अगर अभी आपको सुनना है तो सन नेटवर्क के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब थिएट्रिकली रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को काफी बड़े पैमाने पर पे रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को 25 अक्टूबर 2020 में दशहरे के मौके पर रिलीज किया गया था और जब फिल्म को रिलीज किया गया सॉरी पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार बीस को इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रिलीज़ करने वाले थे लेकिन सन पिक्चर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया था मई मैं महीने में कि इस फिल्म का काम अभी बाकी है जिस वजह से ये फिल्म चौदह जनवरी दो हज़ार इक्कीस को आने वाली है लेकिन फिर से फिल्म कोविड नाइन्टीन की वजह से पोस्टपोन हो गई बाद में फिल्म को चार नवंबर दो हज़ार इक्कीस को दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग ले गई फिर भले फिल्म का कंटेंट उतना अच्छा नहीं था लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया फिल्म को लेकिन रजनीकांत जी के काफी सारे फैंस है जिसकी बदौलत फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी जहां पे IMDb पे फिल्म को सिर्फ चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे करीबन छियानवे सौ वोट किए गए दस हज़ार किए गए करीब आसपास तो रेटिंग काफी ज्यादा एवरेज है एवरे लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर गई थी जिसका मेन रीजन थे रजनीकांत जी अदरवाइज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना नहीं चल पाती इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफी मजबूत थे जिस वजह से सभी वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ने काफ़ी अच्छी स्क्रीनज दिलवाई हुई थी जहाँ पे फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ था फिल्म को सिर्फ तमिल और तेलुगु वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्ज़न में नहीं किया गया था हिंदी वर्जन में डायरेक्ट ओ टी रिलीज़ किया गया था तो अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के होम मीडिया के ऊपर तो सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के नॉन थिएटिकली राइट्स टेलीविज़न और ओटीटी दोनों ख़रीदे हुए थे जहां पे उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप किया हुआ था सन टीवी वालों ने तमिल वर्जन के साथ साथ कन्नडा तेलुगु मलयालम वर्जन में इस फिल्म को डब किया गया था और साथ ही में हिंदी वर्जन के राइट्स भी डब किए गए थे लेकिन हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस वालों ने तो सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के राइट्स को अपने पास रखते हुए नेटफ्लिक्स के साथ टाइप करते हुए इस फिल्म की डिजिटल रिलीज़ करवाई हुई थी जहां पे 25 नवंबर 2021 को यानी कि थिएटरकल रिलीज़ के 22 दिनों के बाद ये फिल्म सन नेक्स्ट के ऊपर और नेटफ्लिक्स के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्ज़न में ये फिल्म अवेलेबल करवा दी गई थी हिंदी वर्जन थोड़ा लेट प्रीमियर करवाया गया था तो अब हम बात कर ले कहाँ पर ये फिल्म किस तरह से देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो सन पिक्चर्स के पास इसके राइट्स है इसका मतलब ये फिल्म आपको सन टीवी के टेलीविज़न चैनल के ऊपर यानी कि सन नेटवर्क के जितने भी जो तेलुगु कन्नड़ा तमिल और मलयालम वर्जन की चैनल है उसके ऊपर बिल्कुल फ्री में ये फिल्म अन्नाथे के नाम से देखने को मिलेगी जहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है जैसे कि अन्नाथे पेडन्ना इस तरह से अलग अलग नाम के साथ ये फिल्म अपने रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में देखने को मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री में तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ की तो सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स वालों ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए फिल्म का टाइप किया हुआ था तो फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब टाइटल नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन के राइट्स थे गोलमाइंस के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन सब कंप्लीट करवा दिया गया था उन्होंने भी इस फिल्म के राइट्स नेटफ्लिक्स वालों को भी अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए थे तो फिलहाल में इस फिल्म का जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास है इसके अलावा टेलीविजन राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने अपने पास रखे हुए हैं उन्होंने इस फिल्म को गोलमाइंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न में आपको गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने उन्होंने बेच दिए अब पता नहीं कि उन्होंने यूट्यूब राइट्स रखे या नहीं अलग से लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स भी रखे हुए हैं तो ये फिल्म आपको तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम के साथ हिंदी वर्जन में नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी वहीं पर गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म हिंदी वर्जन में टेलीविज़न पर देखने को मिलेगी अदरवाइज अगर यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो टेलीविजन प्रीमियर के कुछ लंबे समय के बाद यह फिल्म आपको के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिल सकती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सन पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म के टेलीविजन राइट सभी वर्जन के लिए रखे हुए थे तो सन टीवी की सभी वर्जन की चैनल यानी कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन की, की चैनल के ऊपर अपने अपने जो वर्जन है जैसे कि तमिल मेन वर्जन तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन वहां पे फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन के सैटेलाइट राइट्स है गोलमांस के पास तो ये फिल्म आपको हिंदी वर्जन में गोलमांस के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी अब सन पिक्चर्स ने इस फिल्म के साउथ इंडियन वर्जन के जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किए हुए तो सन आ, सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ-साथ ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल मेन लैंग्वेज के साथ साथ तेलुगु कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स गोलमाइंस वाले के पास थे उन्होंने नेटफ्लिक्स वालों के राइट्स बेच दिए तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी वर्जन में विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सब देखने को मिल जाएगी अब टेलीविजन प्रीमियर गोल करवा रहा है तो अब उसके पास यूट्यूब राइट्स है या नहीं वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है अगर गोलमाइंस के पास इस फिल्म के यूट्यूब राइट्स है तो टेलीविजन प्रीमियर के लंबे समय के बाद ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगी तो इस तरह से अनाथ फिल्म आप तमिल तेलुगु, कन्नडा और मलयालम और साथ ही में हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे टेलीविज़न और ओ के ऊपर तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए साथ ही में फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दे दिए इस फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर भी बातचीत हो चुकी है फिल्म के स्टोरी एनालिसिस हो चुकी है स्टोरी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर ली उसकी परफॉर्मेंसिस के ऊपर बातचीत कर ली फिल्म का एक रिव्यू हो चुका है जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट और स्टोरी के ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग दे दिए तो हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू